तो मसीह के मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। एज यू ऑल नो आई एम योर ब्रदर योर फ्रेंड गॉड सर्वेंट वन एंड ओनली शाउल फलोन खान। हालेलुया। सो मैं चाहता हूँ कि एक दफा जरा टेस्ट कर लें द वीडियो इज बोथ वर्किंग फाइन ओके सो दैट वी कैन हैव एश्योरेंस एंड वी कैन कंटिन्यू। Alright, so there will be red dot on the down of the screen. Okay, so मैं चाहता हूँ कि आप सब जो हैं भाई भाई आपस में हाथ मिलाएं और बहने बहने आपस में हाथ मिलाएं। Come shake your hands. So it's a very आप मिला सकते हैं। It's a very joyful time कि हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं and we are gathered once again. See? So, आज का टॉपिक जरा शाउट करें। आज का टॉपिक क्या है? रूह कुदस का बपतिस्मा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम डिस्कस करेंगे कि रूह कुदस का बपतिस्मा क्या है। सो बहुत सारे इस टॉपिक से रिलेटेड मिथ्स हैं गलत कॉन्सेप्ट हैं और बहुत सारे इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे अपने कॉन्सेप्ट हैं। सो आज जो है हम बाइबल मुकदस में से सीखेंगे कि रूह कुदस कौन है ना कि क्या है। रूह कुदस कौन है ना कि क्या है और रूह कुदस का बपतिस्मा क्या है, क्योंकि कौन जो है इस्तेमाल होता है शख्सियत के लिए और क्या इस्तेमाल होता है चीज के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो अगर आप रूह कुदस के बपतिस्मे को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रूह कुदस को अंडरस्टैंड करना होगा। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आप स्टडी करना चाहते हैं कि भाई फरारी की क्या स्पीड है, फरारी गाड़ी का सबको पता है, तो अगर आप स्टडी करना चाहते हैं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ फरारी, फरारी गाड़ी जो बहुत मशहूर है महंगी और बहुत स्पीड में चलती है, इसकी क्या स्पीड है, तो उसके सबसे पहले इंजन को स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप उसके इंजन को स्टडी करेंगे और साथ में कौन सा ऑयल यूज हो रहा है, देन यू कैन कम टू अ कंक्लूजन कि उसकी स्पीड इतनी तेज क्यों है। इसी तरह अगर आप रूह कुदस के बपतिस्मे को जानना चाहते हैं तो जो बपतिस्मा देता है रूह कुदस उसको तो पहले जान लो, देन यू विल नो व्हाट इज द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। सो इससे पहले कि आई टॉक अबाउट व्हाट इज द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, तो हम सबसे पहले किस पे बात करेंगे, किसको जानेंगे कि रूह कुदस कौन है, हु इज द होली स्पिरिट हिमसेल्फ। सो मेरी डेफिनेशन ये है, वेरी सिंपल, होली स्पिरिट इज नॉट एनी पावर नॉर एनी फायर नॉट इवन अ स्पिरिट। होली स्पिरिट इज नॉट एनी पावर नॉर एनी फायर नॉट इवन जस्ट अ स्पिरिट। जस्ट अ स्पिरिट का मतलब सिर्फ एक रूह नहीं है बट अ कंप्लीट पर्सन लाइक अस। लिखे उर्दू में रूह कुदस ना सिर्फ एक पावर है, ना सिर्फ एक आग है और ना सिर्फ एक रूह है, सिर्फ एक रूह है बल्कि एक कंप्लीट शख्सियत है हमारी तरह। अच्छा, अब मैंने कहा कि कंप्लीट शख्सियत है किसकी तरह, सच तो यह है कि वो हमारी तरह एक कंप्लीट शख्सियत नहीं है बल्कि हम उसकी शबी और सूरत पे बनाए गए हैं। किसकी शबी और सूरत पे बोले, हम होली स्पिरिट की। सो ना सिर्फ हम बाप की शबी पे बनाए गए हैं, ना सिर्फ हम बेटे की शबी पे बनाए गए हैं बल्कि हम किसकी शबी पे बनाए गए हैं, तो रूह कुदस हमारी तरह एक शख्सियत नहीं है बल्कि हम उसकी तरह एक शख्सियत बनाए गए। एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? सो कुछ लोग हैं वो इस बात को नहीं मानते अश्ले भाई कि रूह कुदस जो है अब एक शख्सियत नहीं है। सो अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, आई जस्ट कैन नॉट हेल्प। सो अब प्रूफ करेंगे हम पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत। नाउ सो टाइम इज शॉर्ट, सो मैं जो हूं उर्दू में पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर उर्दू में साथ में ट्रांसलेट कर दूंगा। सो लिखा है आई हैव डन ऑल द वर्क फॉर यू। सो लिखा है देन गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज इन आवर लाइकनेस। आओ हम मिलकर इंसान को अपनी छवि और सूरत, ठीक है, तो क्या लिखा है आओ क्या कर आओ क्या हम, और इंग्लिश में लेट और उर्दू में आओ, ठीक है। सो यहां पर पता ये क्यों नहीं कह रहा कि मैं इंसान को अपनी छवि पे बनाऊंगा। इन इंग्लिश
आई विल मेक द मैन ऑन माई इमेज एंड माई लाइकनेस। तो खुदा क्या कह रहे हैं, आओ हम, या इंग्लिश में वी, जी क्या है प्रोनाउंस में अगर हम पढ़े, यू टेल मी, प्लूरल, यानी इट्स मोर देन वन। सो व्हाट इज दिस मोर देन वन, फादर सन एंड द होली स्पिरिट। सो जब खुदा ने बोला, और जब भी खुदा लफ्ज इस्तेमाल आए कलाम में, तो इट मीन्स फादर सन एंड द होली स्पिरिट। ओके, सो खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस ने बोला, आओ हम मिलकर इंसान को अपनी सूरत में बनाना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, खुदा ने फरिश्तों को बोला था, ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। ठीक है, तो मेरा ये सवाल है, क्या बाइबल में कहीं पर भी इस बात की दलील मिलती है कि खुदा ने ये बोला कि फरिश्ते मेरी सूरत पर बने? वी ऑल नो इंसान खुदा की स्थिति में बने। सो जो यहां पे अस यूज हुआ है, इट इज द प्योर मीनिंग, इसका प्योर मीनिंग यही है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस ने बोला आओ हम इंसान को बनाए। सो जो पाखरू है वो कोई पावर नहीं, पाखरू जो है वो कोई सिर्फ आग नहीं, पाखरू जो है वो सिर्फ एक रूह नहीं, बल्कि वो पूरा का पूरा एक खुदा है, जिस तरह यीशु खुदा है, जिस तरह बाप खुदा है, रूह कुदस भी एक पूरा खुदा और एक पूरी अपनी पर्सनैलिटी रखता है। लेट्स मूव ऑन, एनीबॉडी देयर जिसको कोई प्रॉब्लम है इस बात से? आई होप यू डोंट हैव। सो अब मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं। When I say he is a person, therefore he speaks, touches, hears, and even can be seen. अगर मैं कहता हूँ वो शख्सियत है, तो इसका मतलब वो बोलता भी है, वो छूता भी है, वो सुनता भी है। मैं बेटे की यीशु की बात नहीं कर रहा, ना मैं बाप की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? होली स्पिरिट की। मैं कह रहा हूँ वो बोलता भी है, वो छूता भी है, वो सुनता भी है, और वो दिखता भी है। मैं ये नहीं कह रहा वो देखता भी है, मैं ये नहीं कह रहा वो देखता भी है, मैं कह रहा हूँ वो दिखता भी है। Wow. So some call the Holy Spirit just power and deny this personhood. कुछ लोग उसको कहते हैं वो सिर्फ एक ताकत है और उसकी शख्सियत को deny करते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। फिर मेरा एक सवाल है उन सबसे, उन पाइयों के नाम मेरा एक सवाल है, ठीक है अल्बर्ट भाई, और वो ये सवाल है, then how can a power speak, listen or touch or be seen and above all talk to us? फिर मेरा ये सवाल है कि फिर ये ताकत, ये कुवत बोलती कैसे है, दिखती कैसे है, और सबसे बढ़कर हमसे गुफ्तगू कैसे कर सकती है? अगर एक ताकत है, आप खुदा को एक ताकत नहीं बोलते, आप बोलते हैं खुदा जिंदा है, खुदा दिखता है, खुदा एक शख्सियत है, तो फिर पाखरू को क्यों? जब हम आगे जाएंगे तो पता चलेगा। मगर मैंने आपको बता दिया पाखरू कौन है, एक शख्सियत, पर्सनैलिटी। अब एग्जाम्पल्स है मेरे पास, ठीक है। लूक लुका की इंजील उसके 3:32 आयत को अगर हम पढ़े, तो वहां पे यीशु मसीह के बपतिस्मे का जिक्र है। तो क्या लिखा है कि योहन्ना ने किस तरह, किसकी माँ ने देखा था यीशु के ऊपर पाखरू को आते हुए? कबूतर की माँ ने देखा था, ठीक है ना, ठीक है ना, कबूतर की माँ ने आते हुए देखा था। रसूलों ने अमाल की किताब 13:2 और उसकी 2 आयत के अंदर लिखा है, While they were worshiping the Lord and fasting, जब वो रोजा रख कर दुआ कर रहे थे और इबादत कर रहे थे खुदावन की, द होली स्पिरिट सेट, रूह कुदस ने कहा, सेट अपार्ट फॉर मी बर्नबास एंड सॉल फॉर द वर्क टू विच आई हैव कॉल्ड देम। मेरे लिए बर्नबास और सॉल को रूह कुदस ने कहा, होली स्पिरिट सेट, रूह कुदस ने कहा बर्नबास और सॉल को मेरे लिए अलग कर दो जो खिदमत के लिए मैंने बुलाया। किसने कहा? बाप ने कहा? बेटे ने कहा? किसने कहा? तो मुझे बताओ ये ताकत बात कैसे कर रही है? हाउ कैन अ पावर टॉक? नो, होली स्पिरिट इज नॉट ए पावर, ही हैज अ पावर बट ही इज ए पर्सन। हालेलुया, क्लैप फॉर होली स्पिरिट। एवरीवन समझ रहे हैं, रूह कुदस के पास पावर है इसलिए वो खुदा की पावर है, मगर खुद वह बजाते ये बिल्कुल इसी तरह। ऐश्ले भाई हमारे साथ बैठे हैं, अब ये हमारे जो सर्विस है, मिनिस्ट्री है, हमारे ग्रुप है, इनके वर्शिप लीडर हैं हम, और हम बोलना शुरू कर दें एशले इज वर्शिप, एशले इज वर्शिप, एशले इज वर्शिप, इट डजंट मेक सेंस। एशले इज नॉट ए वर्शिप, एशले इज ए पर्सन एंड ही हैज द गिफ्ट ऑफ वर्शिप। रूह कुदस एक शख्सियत है और रूह कुदस के पास पावर है, और वो पावर हमें देता है, और जब वो आपको पावर देता है तो फिर तो जबरदस्त काम होते हैं। ओके, सो अब ये बात क्लियर हो गई। हालेलुया, सनी इज वेरी एक्साइटेड, आई कैन सी दैट। ओके, सो देयर आर 5 डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ द होली स्पिरिट दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन न्यू टेस्टामेंट। रूह कुदस के
पांच एक्सपीरियंसेस हैं जो हम नए ऐहदनामे में जिसका जिक्र सुनते हैं, पढ़ते हैं और हम इसको देख सकते हैं। कितने एक्सपीरियंसेस हैं? पांच एक्सपीरियंसेस हैं। आप जानना चाहते हैं वो कौन कौन से हैं? ओके, सो पहला एक्सपीरियंस, नाउ रिसीविंग द होली स्पिरिट इज ए सेपरेट एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ सल्वेशन। रूह कुदस को रिसीव करना ये डिफरेंट एक्सपीरियंस है नजात के वक्त, ठीक है ना। अब रूह कुदस को रिसीव करना पाक रूह का बपतिस्मा नहीं है, पाक रूह का बपतिस्मा रूह कुदस को रिसीव करना नहीं है। अब मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। दूसरा, नोइंग द होली स्पिरिट इज अ सेपरेट एक्सपीरियंस आफ्टर द सल्वेशन। रूह कुदस को जानना पर्सनली तौर पर नजात के बाद ये एक अलग एक्सपीरियंस है। तीसरा, रिसीविंग द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। मैं यह नहीं कह रहा रिसीविंग द होली स्पिरिट, मैं यहां पे कह रहा हूं रिसीविंग द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट ब्रैकेट में पावर बैप्टिज्म इज ए सेपरेट एक्सपीरियंस दैन रिसीविंग एंड नोइंग द होली स्पिरिट। रूह कुदस के बपतिस्मे को रिसीव करना रूह कुदस को खुद जानने से नजात के वक्त और बाद में अलग तजर्बा। तीसरा, एक्सपीरियंसिंग द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट फायर, द बैप्टिज्म ऑफ फायर। रूह कुदस के आग का बपतिस्मा रूह कुदस के पावर के बपतिस्मे से अलग है और रूह कुदस को जानने से भी अलग है। वाओ, चौथा हो गया। और आखिरी, यू नो व्हाट इज लास्ट, द लास्ट एक्सपीरियंसेस एंड फाइनली ग्रोइंग इन द होली स्पिरिट इज ए डिफरेंट एक्सपीरियंस दैट इज एक्चुअली द वॉक विद द स्पिरिट द डीपेस्ट ऑफ ऑल। सो पहला है रूह कुदस को जानना, दूसरा है पहला है रूह कुदस को रिसीव करना, दूसरा है रूह कुदस को जानना, तीसरा है उसके बपतिस्मे को एक्सपीरियंस करना यानी पावर को, और चौथा है उसकी आग के बपतिस्मे को रिसीव करना यानी दो बपतिस्मे हो गए, एक बपतिस्मा नहीं है, और पांचवा है रूह कुदस के अंदर ग्रो करना यानी एक्चुअली में रूह कुदस के साथ चलना, यानी ये वो एक्सपीरियंस है, ये वो रैम है ऐश्वर्य जिसके अंदर रूह कुदस आपसे बातें करना शुरू कर देना है। हालेलुया, सही है। सो अब नाउ, अब हमारे पास है रिसीविंग, नोइंग एंड ग्रोइंग। सब बोले रिसीविंग, नोइंग, लेडीज आर वेरी फास्ट, रिसीविंग, नोइंग एंड ग्रोइंग। तो रिसीविंग के अंदर क्या होता है, मैंने यहां पे लिखा है, यू डोंट नीड टू वर्क आउट फॉर दिस और बेग फॉर इट, रादर रिपेंट एंड एक्सेप्ट क्राइस्ट एंड गिव हिम योर हार्ट एट द टाइम ऑफ सल्वेशन बाय फेथ, एंड इफ यू ट्रूली रिपेंट एंड गिव योर हार्ट टू क्राइस्ट होली स्पिरिट कम्स इन यू एज अ पर्सन। अब मेरी यहां पे गौर से बात करना, अब यहां पे है रूह कुदस को रिसीव करना। अब ये बात आपको गौर से सुनिए, रूह कुदस को रिसीव करना मुश्किल नहीं है। पास्टर्स प्रीच करते आए हैं रूह कुदस को रिसीव करना बड़ा मुश्किल है, रूह कुदस को रिसीव करना मुश्किल नहीं है, बल्कि आपकी नौकरी ज्यादा मुश्किल है, होली स्पिरिट को अपने दिल में रिसीव करना बहुत आसान है। आगे मैं प्रूफ भी कर दूंगा। सो रिसीव रूह कुदस को करना क्या है, रूह कुदस को रिसीव करने के लिए खुदा से लंबी लंबी दुआएं नहीं करनी पड़ती, रूह कुदस को रिसीव करने के लिए खुदा से भीख नहीं मांगनी पड़ती, ठीक है ना। रूह कुदस को रिसीव करने के लिए सिंपली अपना दिल यीशु को देना पड़ता है और अपने पूरे दिल से सच्चे ईमान से यीशु से अपने गुनाहों की तौबा करनी पड़ती है, और जब आप सच्चे दिल से यीशु से दुआ करके तौबा करते हैं और अपना दिल उसको देते हैं, ऑटोमेटिकली पाक रूह आपके दिल में आ जाता है, आप उसको बुलाओ या ना बुलाओ, क्योंकि वो दिलों को जानता है कि कौन कितना दिल, किसका कितना दिल उससे सिंसियर है। सो दिस इज ऑटोमेटिक, यू डोंट नीड टू वर्क फॉर इट। जब आप अपना दिल यीशु को देते हो, तौबा करते हो और बोलते हो खुदावन इसमें आ, तो कौन ऑटोमेटिकली आ जाता है, पाक रूह आ जाता है। ऑलराइट, दूसरा है नोइंग। नोइंग क्या है, नोइंग द होली स्पिरिट। जिस तरह आप अपनी मसीही जिंदगी में चलते हैं, बढ़ते हैं और आप खुदावन के साथ चल रहे होते हैं, तो आपको एक वक्त आते हैं रूह कुदस के साथ इनकाउंटर्स होना शुरू हो जाते हैं, तजर्बे होना शुरू होते हैं। दिस इज नोइंग द होली स्पिरिट। मेरे पास फ्रेश एग्जांपल है, और फ्रेश एग्जांपल है मेरे लेफ्ट साइड से थर्ड पर्सन जो बैठा हुआ है, एल्बर्ट भाई से। एल्बर्ट भाई कुछ दिनों पहले मुझे बताते, शाम भाई मैंने खुदावन की आवाज सुनी। मेरे पास एल्बर्ट भाई, मैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पर्सन हूं क्योंकि मैं खुदा को गहरे तौर पर जानता हूं, मुझे बताओ आपने किस मीडियम से आवाज सुनी, किस चैनल से, किस फॉर्म में आवाज सुनी, मुझे सब कुछ जानना है। मुझे अगर ख्वाब से आवाज आई तो बताओ, रोया से आई है, फेस टू फेस आई है, स्मॉल स्टिल वॉइस आई है, हमने ऑलरेडी वॉइसेस ऑफ गॉड क्रैश कोर्स किया हुआ है। तो अल्बर्ट भाई ने बताया मेरे कान के करीब आगे किसी ने सरगोशी के लिए, दिस इज द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। सो दिस
इज नोइंग द होली स्पिरिट, ये पापरू को जानना है, अब रिसीव हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है, पापरू को जानना। पापरू को जानेंगे तो क्या होना शुरू होगा, जब आप जानना शुरू होते हो इनकाउंटर्स, आपको हियरिंग हिज वॉइस, सीइंग विजंस एंड कन्विक्शंस अबाउट सिंस, आपके दिल में आप जो बदकारी कर रहे हो, जब जब करोगे, मैं आपसे सच कहता हूं, अगर पापरू है, जब जब आप बदकारी करोगे, जहां जहां आप गलत हो, आपका तन मन धन आपके खिलाफ गवाही देगा, आपका तन मन धन आपके खिलाफ गवाही देगा। मैं बता रहा हूं, ये आपका जमीर नहीं, ये खुदा का रूह है जो कह रहे सीधे रास्ते पे आ जा, मैं नहीं चाहता तुम्हारे, दिस इज होली स्पिरिट। मैंने आप गुनाहगारों को देखो, वो गुनाह करेंगे, सुकून से आके सो जाएंगे, चार दिन के बाद उनकी जो वो कॉन्शियस है वो क्लियर हो जाएगी, वो फिर नहीं याद करेंगे, इट्स फाइन। मगर अगर आप में रूह कुदस है तो उसकी सबसे जो जबरदस्त दलील है वो ये है कि जब तक आप जिंदा हो आपको आपके गुनाह याद आते रहेंगे। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्किंग ऑफ होली स्पिरिट इन यू। और वो आपको गुनाह इसलिए नहीं याद दिलाता कि आपको वो गिल्टी ठहराए, डी रेट रहा है, बल्कि वो आपको इसके गुनाह याद दिलाता है ताकि आपको यीशु के पास ले जाए। ऑलवेज रिमेंबर, आई हैव फाउंड आउट, मैंने एक प्रीचर को सुना था, डेविड डिएगो हर्नांडेज, और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, रूह कुदस गुनाहों में भाग नहीं जाता, रूह कुदस गुनाहों में जोर से आता है। व्हाई? रूह कुदस गुनाहों में जोर से इसलिए आता है ताकि आपको यीशु के पास लेके जाए। वो आया ही इसलिए, वो बदरू नहीं है कि आप उसकी नाफरमानी करो, जो मोकल रखे होते हैं, अगर मोकलों की बात ना माने जादूगर तो वो छोड़ के चले जा रहे हैं, उनको मार देते हैं। रूह कुदस इस तरह नहीं है, रूह कुदस यीशु की, मैं कहता हूं, फोटो कॉपी है जमीन पर। वो आपको जब आपके गुनाहों में छोड़ता नहीं है, वो बेवफा नहीं, वो गद्दार नहीं, वो आपके गुनाहों में कहता है दोबारा खड़ा हो जा, तेरी उम्मीद यीशु नासरी अभी जिंदा है। हालेलुया, कम ऑन, क्लैप फॉर दिस। आई हैव विटनेस्ड द मोस्ट ब्रूटल एक्सपीरियंसेस इन माय लाइफ, जहां पे हम सब सिन से स्ट्रगल करते हैं पर्सनली, नोबडी टेल्स, हम सब सिन से पर्सनली स्ट्रगल करते हैं। आई वॉज इन सच अ सीजन जिसके अंदर मैं छत से ऊपर से नीचे उतरा, मैंने रूल कुदस, मैंने अक्सर अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने रूल कुदस तो जानता है मेरी लाइफ कहां जा रही है, मैं किस स्टेज पे हूं, एंड मैं अपने लिए दुआ नहीं कर सकता, एंड आई एम इन नॉट ए स्टेट ऑफ होलीनेस, मैं पकीज़गी की और मैं प्योरिटी की स्टेट में नहीं हूं। और जब मैं ये कह ही रहा था, मेरे साथ सिस्टर क्रिस्टीना थी, मैंने उनके साथ दुआ की, आप बिलीव करें, मैं अनवर्दी और अनहोली स्टेट में था, और बिल्कुल मेरे पास आके खड़ा हुआ, उसने मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर दुआ की, Romans 8:26-28, और रूह हमारी ऐसी आहें भर भर के शिकायत करते जिनका बयान नहीं है। बिल्कुल गुनाहों में आपको छोड़ नहीं देता, बिल्कुल गुनाहों में आपके लिए आहें भरना शुरू कर देता है। हाँ, अगर आप उसकी तरफ त्वचा ना दें तो फिर एक अलग बात है, मगर वो खड़ा रहता है कि कभी तुम नहीं सुनेगा। मगर अगर आप मुस्तकिल मिजाज रखते हो, उसकी नहीं सुनता, तो एक टाइम आता है कि फजल उठ जाता है और रूह कुदस संजीदा होता है, वो चला जाता है, और वो सबसे तहशनाक दिन होता है। दैट्स व्हाई डेविड सेड, डू नॉट टेक योर होली स्पिरिट, मेरे से अपना रूह कुदस बनाए। और आखिर है ग्रोइंग, सॉल के साथ हुआ था, ग्रोइंग, अब ग्रोइंग इन द होली स्पिरिट क्या है, यू बिगिन टू वॉक विद हिम एज अ पर्सन, क्या, यू बिगिन टू वॉक विद हिम एज अ पर्सन, नॉट एज अ गिफ्ट। आप ये नहीं रखा ना बाला ना शाला ना, जी मैं रूह कुदस के साथ चल रहा हूं, मैं गैर जुबाने बोल रहा हूं, नाउ एज अ पर्सन, मैंने आके खोली, रूह कुदस सामने खड़ा हुआ था, नाउ मैं वहां जा रहा था और रूह कुदस ने बोला, मैं किसी के साथ मजाक कर रहा था, मैं बहुत जल्दी हुआ, मैंने बोला कि मैं फलानी फलानी जगह पे, जस्ट इन अ जोक, हम कोई भी राइटियस नहीं है, पहली बात क्लियर कर दे, हम कोई भी परफेक्ट नहीं, मैंने किसी से मजाक किया कॉल पर, ऐसा मैंने बोला मैं इफ आई गो टू अ सर्टेन कंट्री, सो आई सेड इन अ जोक आई विल गो ओवर देयर इन अ टू अ सर्टेन प्लेस जस्ट जोकिंगली, और जैसे ही मैंने जस्ट जोकिंगली कहा, मुझे बकायदा एक मर्द की आवाज आई मेरे अंदर, उसने बोला तू नहीं जाएगा, और रात के 12 बज रहे थे, आई लिटरली हर्ड अ वॉइस इन मी, और मैंने मजाक में बोला हाँ हाँ मैं वहां पे जाऊंगा, ऐसी जस्ट इन जोक्स हम बहुत सारी बातें कह देते हैं जो हमें पता ही नहीं होता अगर मैं दूसरी कंट्री के में, और मुझे बकायदा मेरे अंदर एक मर्द ने बोला
तू नहीं जाएगा, मैं तुझसे कह रहा हूं तू नहीं जाएगा। खुदावन हमारे बारे में हमसे ज्यादा कॉन्शियस है फ्रॉम द इनसाइड, दैट्स व्हाट होली स्पिरिट। सो एज यू बिगिन टू वर्क विद अनदर पर्सन यू ग्रो इन हिम, एंड वन ऑफ द थिंग्स ऑफ ग्रोथ इज, अभी एक और से सुन रहे जो लिख रहे हैं, वन ऑफ द थिंग्स ऑफ द ग्रोथ इज, बढ़ने की जो एक साइन एंड सिम्टम है वो ये है, यू बिकम मोर लाइक इन कैरेक्टर एंड इन एबिलिटीज ऑफ क्राइस्ट। अगर आप रूल कदस में बढ़ रहे हो तो उसकी जो सबसे बड़ा साइन एंड सिम्टम है वो गैर जुबानी नहीं है। जो और लाइव सुन रहे हैं वो गौर से सुने मुझे, स्पेशली मैं कुछ हमारी क्रिश्चियनिटी में फेथ डिनोमिनेशन में उनको बार बार कहना चाहता हूं, गैर जुबानों का चेंज होना दिस इज गुड बट दिस इज नॉट इनफ। ठीक है, सो जो सबसे पावरफुल दलील साइन एंड सिम्टम है आप रूल कदस में ग्रो कर रहे हैं वो आपका करेक्टर और आपकी अबिलिटीज, अबिलिटीज में गैर जुबानें शामिल होती हैं, बहुत ज्यादा शामिल होते हैं, मगर करेक्टर जस्ट यू आर बिकमिंग मोर लाइक दैट इज द ग्रोथ एंड दैट इज द एविडेंस इन द ग्रोथ ऑफ होली स्पिरिट। ठीक है, सो दीज आर द टू एविडेंस जिसको हम आसान लफ्जों में कह सकते हैं, टू एविडेंस ऑफ द ग्रोथ इन द होली स्पिरिट इज, जो सबसे आसान एविडेंस है रूल कदस की ग्रोथ में वो ये है, या तो आप गिफ्ट्स में ग्रो कर रहे हो या तो आप अनान फ्रूट्स में, जिसका दूसरा मतलब कैरेक्टर, गिफ्ट्स वर्सेस द फ्रूट्स। Oh boy, this is so true, और this is very हमारे लिए ये अलार्मिंग साइन है हम सब के लिए। So अब यहां पर मैंने आपको शुरू में क्या बोला था कि रूल कदस आप मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप क्या कर लेते हो, माफी मांगो दिल यीशु को दो तो वो आपके दिल में आते फिर। सो मेरे पास आपके लिए एक वर्ड्स है, अमाल की किताब उसका 2:38 जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं ताकि प्रूफ वो दे सके, क्योंकि कुछ हमारे लोग हैं वो आपकी बात को गलत प्रूफ करने के लिए वो जबरदस्त किस्म की आयतों की तलवार बना के आपके पास आ जाएंगे। तो अगर आप उनको आयतें नहीं दिखाओगे ठीक है तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। सो बट मैं टू गिव यू द प्रूफ ये है, अमाल 2:38 में लिखा है, पीटर सेड टू देम, पतरस ने उनसे कहा, रिपेंट एंड ईच ऑफ यू बी बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ जीसस, तौबा करो और आप तुम्हें से जो कभी यीशु के नाम का बपतिस्मा ले अपने गुनाहों की माफी के लिए, एंड यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, और तुम्हें रूह कुदस इनाम में मिलेगा। क्या पतरस ने कहा कि तुम तौबा करके बपतिस्मा लो तो रूह कुदस तुम्हें तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें जद्दोजहद करनी पड़ेगी, 40 रोजे रखने पड़ेंगे, नो तुम तौबा करो और यीशु पर ईमान लाओ और अपना दिल उसको दो तो इनाम में रूल कुदस खुद बा खुद ही आ जाएगा। सो अब मैंने शुरू में तुम आप लोगों को बात बताई थी कि रूल कुदस कौन है, पर्सनैलिटी है। सो यहां पे पतरस कह रहा है जब तुम अपना दिल यीशु को दोगे तो गैर जुबान गिफ्ट है वो तुम्हारे अंदर नहीं आ जाएगा। ठीक है, रूल कुदस एक पर्सन है वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। डू यू गेट दिस नाउ, बपतिस्मे की बात यहां पर नहीं हो रही, यहां पर बपतिस्मे की बात नहीं, पाखरू के बपतिस्मे की बात नहीं हो रही, यहां पर पाखरू की शख्सियत की बात हो रही है। टू मेजर डिफरेंसेस, बॉय वी आर टीचिंग सम थिंग्स, अरुण भाई आप समझ रहे हैं? तो यहां पे पाखरू के बपतिस्मे की बात नहीं हो रही, हालेलुया, यहां पर पाखरू की शख्सियत, जब तुम तौबा करोगे तो तुम्हारे दिल में किसकी शख्सियत आ जाएगी, पाखरू की शख्सियत आ जाएगी। सो ये यहां तक क्लियर हुआ सबको, you are enjoying demystifying the wrong concepts, ashley bhai samajh aa rahi hai, sab khush ho rahe hain, to ab jisne sachi ab mere paas aapke liye good news hai, jo log aapko demotivate karte rahe hain, jo log aapko criticize karte rahe hain, gair zubani bolta hai, gair zubani bolta hai, gair zubani bolta hai, agar bolta hai to khair jehda nahi bolta hoga ki banega, theek hai, to mujhe ye kaha gaya tha, main kahin pe tha, मैं दिल तो करा बता दू मैं कहां पर था मैं बताऊंगा नहीं, आप सब जानते हैं। सो मैं तो मेरी एक्चुअली मेरी सेल्वेशन से स्टार्ट हुई थी 17 साल का था, एंड आई वाज समवेयर एंड ओके लेट मी गिव अ हिंट, मैं हमारे कौम के कायद की किसी आसपास की जगह में था जो शार्प है वो समझ जाएंगे। ठीक है, मैं वहां पे रखा और वहां पे पास्टर ने बोला जिसके अंदर यीशु का रूह नहीं, रोमियो में से वो यीशु का नहीं और वो आसमान की बादशाही में नहीं जाएगा।
और इन टर्म्स ऑफ उन्होंने, क्योंकि उस वक्त वो सीजन ऐसा चल रहा था जिसमें वो सबको आगे लाइन में खड़ा करके दुआ करते थे गैर जुबानों में, और जो गैर जुबान बोलता था बल्ले बल्ले वेरी गुड पास हो गया, ठीक है। और मजे की बात सब ने गैर जुबाने बोली, मैं एंड में खड़ा था, मैंने नहीं बोली, मैंने तो स्पेशल सेंस किया, सबने बोली और मैंने नहीं बोली, और मैं तो खुदा हूं, मैं प्रूफ करूंगा दुनिया को कि मैं गैर जुबान नहीं बोलता और मैं फिर भी तेरा बंदा हूं, बिकॉज बिली ग्राम में नहीं बोलता था। सो ही सेड कि जो गैर जुबान नहीं बोलता उसमें पाकरूनी है, जिसमें पाकरूनी है रोमियो की आयत आप पढ़ सकते हैं, वो जिस वो खुदा का नहीं यीशु का नहीं, वो जहन्नुम में जाएगा। एंड जब मैं खुदाउन में ग्रो किया, आप सब जानते हैं खुदाउन के खुदाउन के फजल करम से, मैं वो बंदा जिसको उस वक्त गैर जुबान नहीं बोल रहा था, रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं होता, खुदाउन ने ऐसा रहम किया कि मेरे जो होते हैं आते हैं लोग उनको रूह कुदस के बपतिस्मे के उनको होली स्पिरिट की डेप्थ से एक्सपीरियंस होते हैं। Amen. So the thing was that के no, उसको फिर रूह कुदस मेरे अंदर था, क्योंकि मैंने अपना पूरा दिल, मैंने उन गैर जुबान बोलने वालों से ज्यादा अपना दिल खुदाउन को दिया था। और मैं अक्सर कहता हूँ खुदाउन, जब मैंने तुझसे कहा कि मैंने अपना पूरा दिल दिया, तो मेरा मतलब था मैंने अपना पूरा दिल दिया, आधा वाला नहीं, पूरा। जब आपने पूरा दिल दिया तो पूरा रूह कुदस आपने मिला गया। सो ही कम्स फ्रीली इन योर हार्ट, द पर्सन, not the gift and not the baptism. In fact, baptism भी अलग है और gift भी अलग है और person भी अलग है। So मैं ये क्यों क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाए। सो आप में से जितने भी लोगों ने अपना दिल पूरा तो पूरे यीशु के लिए है और तौबा की है पूरे दिल से, कॉन्ग्रेचुलेशन, रूह कुदस आपके अंदर है। Hallelujah, so अब मेरे पास है होली गोस्ट केस नंबर वन, डिटेक्टिव शार्लेट है। होली गोस्ट केस नंबर देखें एल्बर्ट भाई, होली गोस्ट केस नंबर वन या होली स्पिरिट पाकरू केस नंबर वन। सो अब मैं आपको सेवन केसेस बताऊंगा, सेवन पे एंड हो जाएगा, शॉर्ट शॉर्ट केसेस हैं जिसके अंदर आपकी जो सारे है ना एक टॉफी बन जाएगी, ठीक है, टॉफी से मतलब एक पैकेज हो जाएगा। आई रियली डोंट केयर, वी आर किंगडम पीपल नॉट रिलीजियस पीपल। सो उसके अंदर आपके जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो 80-90% क्लियर हो जाएंगे। सो केस नंबर वन है, हाउ डज क्राइस्ट एंटर्स इन यू एट द टाइम ऑफ सल्वेशन व्हेन ही इज ऑलरेडी इन हेवन। केस नंबर वन ये है कि खुदावन यीशु आपके दिल में कैसे दाखिल हो जाता है जो वो ऑलरेडी आसमान पर है। सोचने वाली बात है, जब आप कह रहे हैं मैंने अपना दिल यीशु को दिया और बोला यीशु तू मेरे दिल में, दिल द मैं कमजोर यीशु मेनु, बड़े तुम कमजोर हो तो दिल का मैं कमजोर यीशु मेरे दिल में आ जा, दिल ले ले मेरा प्यारा यीशु मेरे दिल में आ जा, ठीक है। सो हाउ कैन द लॉर्ड कम इन योर हार्ट व्हेन ही इज ऑलरेडी इन हेवन, आई बिलीव यू ऑलरेडी नो द आंसर। तो मगर मैं वर्ड्स पढ़ना चाहूंगा कुछ हमारे देखने वालों के लिए, यूहन्ना की इंजील 14 बाब और उसकी 16-30 आयत में क्या लिखा है, John chapter 14 verse 16-30. I will ask the Father and he will give you another helper. मैं बाप से कहूंगा और वो तुमको एक दूसरा मददगार भेजेगा या देगा, to be with you forever, हमेशा के लिए, ठीक है। इसका मतलब आसमान पे भी चले जाओगे वहां भी रूह कुदस साथ ही होगा। Okay, the helper is the spirit of truth. वो मददगार हक का हक की रूह है। The people of the world cannot accept him. दुनिया के लोग उसको कबूल नहीं कर सकते, बिकॉज दे डोंट सी हिम, क्योंकि वो उसको ना देखते हैं और नो हिम। यीशु खुद अपने लबे मुबारक से कह रहा है मेरे पाकरू को जो कि मददगार है, दुनिया के लोग ना देखते हैं ना जानते हैं। इसका मतलब अगर दुनिया के लोग उसको ना देखते हैं ना जानते हैं तो दुनिया के लोगों का ऑपोजिट क्या हुआ, पीपल ऑफ द वर्ल्ड का ऑपोजिट क्या होगा, पीपल ऑफ गॉड या पीपल ऑफ क्राइस्ट। एंड अगर पीपल ऑफ वर्ल्ड डोंट सी नॉर नो होली स्पिरिट, तो इसका मतलब पीपल ऑफ गॉड एंड कैन नो द होली स्पिरिट। ओके, आप खुद बोल रहे हैं, आपको समझ भी आ रही, तो यीशु के लोग देख भी सकते हैं जान भी। और आखिर में गौर से मेरी बात, ये की वर्ड्स है, बट यू नो हिम, शागिर्दों कह रहे हैं तुम उसको जानते हो, हियर इज इट, गौर से सुने, ही लिव्स विद यू, वो तुम्हारे साथ रहता है, एंड देन ही विल बी इन यू, वो तुम्हारे
अंदर होगा। अभी वो तुम्हारे साथ रहता है जब यीशु आसमान पे नहीं उठाए गए थे, मगर फिर तुम्हारे कहाँ होगा? अंदर होगा। तो जब हम कहते हैं यीशु मेरा दिल ले ले, मैं गुनाहों से तौबा करता हूँ, मेरे दिल में आ जाए, यीशु तो जाकर आसमान पे बैठा है, तो आपके दिल में यीशु नहीं आता, आपके दिल में पाखरू आता है। और मैं यही कह रहा हूं, वो फ्री नहीं आ जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? सो यहाँ पे लिखे, इफ क्राइस्ट इज इन हेवन देन द वन हु एंटर्स इन यू एट द टाइम ऑफ सल्वेशन इज एक्चुअली द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट, ही इज एक्चुअली द क्राइस्ट इन यू। आपके अंदर मसीह जो एक्चुअली जो आप कहते हैं ना मेरे अंदर मसीह है, वो जो आपके अंदर मसीह है वो एक्चुअली रूह कदस है। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, सो देयरफॉर रिसीविंग होली स्पिरिट इज इजी, बट द बैप्टिज्म ऑफ पावर ऑफ द होली स्पिरिट रिक्वायर्स प्राइस इफ गॉड डजंट गिव इट सॉवरेनली। सो रूह कदस को रिसीव करना एज अ पर्सन अपने दिल में आसान है, मगर उसके बपतिस्मे को रिसीव करना मुश्किल है, उसके लिए एक कीमत दरकार है। अगर खुदा अपनी सॉवरेनली अपनी मर्जी से ना दे, क्योंकि खुदा के हाथ में वो किसी को फ्रीली दे तो किसी के लिए प्राइस रिक्वायर करे, जो वो मालिक और मालिक की मर्जी है। अंडरस्टैंड? ऑलराइट, सो अब कुछ चीजें आपको डायनेमिक समझनी है। मैंने यहां पर लिखा, रिसीविंग ऑफ होली स्पिरिट इन हार्ट इज द एक्ट ऑफ साइलेंस। लिख लो, एक्ट ऑफ साइलेंस, खामोशी का अमल। रूह कुदस को अपने दिल में रिसीव करना जो है खामोशी का अमल है। क्यों खामोशी का अमल है? सो लिखा है रोमियो 10 बाब 9 आयत के अंदर, अगर तू अपने मुंह से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल में यकीन करे कि खुदा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो तू बचाया जाएगा। अब इस वर्ष में यह आंसर, अगर तू मुंह से क्या करे, इफ यू कन्फेस विद माउथ एंड बिलीव विद योर, इफ यू कन्फेस विद योर माउथ, सो इफ बिलीविंग इज इन हार्ट, if believing is in heart, ठीक है, then receiving is also in heart. अगर believing दिल के अंदर है, अगर आप दिल में यकीन लाते हो, तो फिर receiving भी कहां से होती है? मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूं, क्योंकि जब रूह कदस आपके दिल में आता है तब आपको पता नहीं चलता। आपने पूरे दिल से यीशु को पुकारा, गुनाह से तौबा किया, अपना दिल खुदावन को दिया और पाखरू आपके दिल में आ गया और आपको पता नहीं चला। क्यों? इन टर्म्स ऑफ गैर जुबानी, इन टर्म्स ऑफ शोर शराबा, इन टर्म्स ऑफ यू नो मिरेकल्स, इन टर्म्स ऑफ सुपर नेचुरल मैनिफेस्टेशन या प्रोफेसी। ना नबूवत हुई, ना गैर जुबान बोली गई उस बंदे को जिसको पाखरू मिला है, ठीक है, ना मौजात हुए, ना ही कोई आपने और चीज उसके साथ होती हुई देखी। क्यों ऐसा नहीं हुआ? मैंने बोला जब आप मुंह से इकरार करते हो और दिल से यकीन लाते हो, तो यकीन जहां से ला रहे हो ना वहीं पे पाखरू जा रहा है। तो जिस तरह किसी को ये यकीन ये नहीं पता चलता कि ये बंदा यकीन ले रहा है, जब तक वो अपने लबों से इकरार करके ना बताए कि मैं यीशु पर यकीन ले रहा हूं, पता चलेगा। मगर उसने यकीन कहां किया? दिल से। तो जो पाखरू है वो आपके दिल में जाता है और आप किसी को क्या, आपको खुद नहीं पता चलता कि वो आपके दिल में आ गया, ठीक है। तो फिर पता कैसे चलता है? जुबान से। और जुबान से कैसे? तो क्या साइन यहां पे मैंने लिखा, नो वन नो ही हैज कम इन योर हार्ट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीलिंग और सुपर नेचुरल मैनिफेस्टेशन, इवन यू योर सेल्फ डोंट नो। रूह कुदस आपके, मैं उसकी खुद गवाही हूं, मुझे खुद नहीं पता पाखरू मेरे अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं होती पर्सन की जब वो आपके दिल में आता है। देन हाउ यू नो इफ नॉट बाय सुपरनैचुरल सेंसेशन दैट होली स्पिरिट हैज कम इन यू। सनी ये बहुत गहरी बात है, सुनना। अगर आपको सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन नहीं हुई, कोई सुपरनैचुरल काम नहीं हुआ और खामोशी से पाखरू दिल में आ गए, क्योंकि दिल में ही आपने कबूल किया, तो कैसे पता चलता है कि पाखरू आपके दिल में आ गया जब कोई सुपरनैचुरल चीजें नहीं हो रही? यू वॉन्ट टू नो द आंसर? The answer is the change in nature. Amen. The change in nature. The change in nature. The sign and symptoms of the change in nature when the Holy Spirit comes in you. To read the Bible more and not to watch ungodly stuff. आपका दिल करेगा आप बाइबल पढ़ते जाओ और जब कोई खबासत भरी चीजें आपके सामने आएंगी, आप ये नहीं कि आप देखोगे नहीं। याद रखना, इंसान को खुदा कभी भी जोर नहीं देता ऊपर, उसकी इंडिपेंडेंट विल उसके अंदर रहती है। आपको रेजिस्टेंस फील होती है और आपको ये फील होता है रेजिस्टेंस के साथ कि मैं ये ना देखूं और मेरे अंदर जो चीज मुझे कह रही है मैं इसकी बात मानूं। दैट इज होली स्पिरिट। दैट इज होली स्पिरिट।
कलाम ज्यादा पढ़ना और रेजिस्टेंस पैदा होना. रेजिस्टेंस इज नॉट जबरदस्ती, रेजिस्टेंस इज रुकावट. रुकावट फील होती है. दूसरी चीज, फियर टू सिन एंड कन्विक्शन रिमेन्स. गुनाह करने से डर लगता है, पहले आप दुख के गुनाह कर सकते हो, मगर जब एक पापरू आपके अंदर आया था, आप गुनाह करने से डर लगता है, और अगर आप कर लो, क्योंकि इंसान तो इंसान है, पापरू अंदर आ भी जाए, परफेक्ट नहीं हुआ, अगर आप कर लो तो फिर उसका खौफ और उसकी कन्विक्शन नहीं जाती. क्यों? क्योंकि जो दरार है वो नहीं जा रहा. अंडरस्टैंड, चेंज इन नेचर. जुबानों की बातें नहीं है यहां पे, चेंज इन नेचर. मैं कहता हूं अगर आप गैर जुबाने बोल रहे हैं और आपकी नेचर चेंज नहीं, आपको गिफ्ट मिला है उसकी शख्सियत आपके अंदर नहीं आई. सर गहरेगी. सो तीसरी चीज, डिजायर टू प्रे ऑफन एंड बी अराउंड गॉडली और प्रेइंग पीपल. जब गुरु के दस आपके अंदर आ जाता है, नॉट इज गिफ्ट बट उसका शख्स आपके अंदर आ जाता है खामोशी से, तो जो पता जिस तरह चलता है वो ये है कि आपका दुआ करना, दुआ फ्रॉम माउथ यू प्रे. आप दुआ करते हुए मिलोगे, आपके दुआ करने के ज्यादा दिल करेगा, और आपका दिल करेगा कि आप खुदा के लोगों के ज्यादा इर्द गिर्द हो. और चौथा पॉइंट ये है कि जो खुदावन के लोग नहीं, गाली गलौज और खराब लोग हैं, बदमाश लोग हैं, शैतानी लोग हैं, अगर आप उनके इर्द गिर्द हो गए, आप ड्यूटी पे होते होंगे, आपका दिल नहीं लगेगा उनके साथ. अगर आप बोलोगे आई एम इन द रॉन्ग कंपनी, चाहे वो आपके कजन्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके घर वाले हो, यू विल से आई एम इन द रॉन्ग कंपनी. आपको पहले ऐसा फील नहीं होगा. सबसे पहले आप उन लोगों के साथ एंजॉय करोगे, आप एंजॉय करोगे, वो जहां बैठेंगे आप बैठेंगे, जहां जाओगे जाओगे, जो बोलोगे वो बोलोगे, उनकी लैंग्वेज बोलोगे. बट वंस द होली स्पिरिट कम्स इन यू, आप उनके साथ बैठ भी रहे हो, ठीक है, आप उनकी बोली भी बोल रहे हो, उनके साथ जा भी रहे हो, बट आप उनके कुछ अब फर्क है. आई कैन फील दैट, अब मुझे बुरा लग रहा है और मेरा दिल भारी भारी है, मुझे यहां से जाना चाहिए, मतलब आई कैन नॉट स्टे. और सबसे बढ़कर आपको खुद पता है आप बयान नहीं कर सकते, कुछ गलत चल रहा है. दैट इज होली स्पिरिट. सो दिस इज द पर्सन ऑफ होली स्पिरिट. पांचवी चीज और सबसे बेस्ट चीज, यू रेडी सनी? आपको समझ नहीं लगेगी कि ये अजीब सी मोहब्बत यीशु के लिए कहां से आ रही है. हालेलुया. आपको नहीं समझ लगेगी ये अजीब सी मोहब्बत, ये अजीब सा खिंचना, और ये मैं कहता हूं अजीब सी दर्द है यीशु के लिए कहां से आ रही है. एंड आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट आप बोलोगे कि मैं जख्मी हूं, मुझे दर्द हो रही है, मैं टूटा हुआ, बोलेंगे तू तो चंगा, बोला तो मुझे दर्द हो रही है. बट यू से नहीं, मेरी रूह टूटी हुई है. वो कैसे टूट गई? पाखरू ने तोड़ दी. किसके लिए? यीशु के लिए. क्यों? ताकि यीशु आपको बस जाए. आमेन. सो दिस इज द चेंज इन नेचर. तो पाखरू का जो साइलेंट सिम्टम है वो क्या है? चेंज इन नेचर. मैंने अपने साथ अपने साथ अपने अपना दाऊद जाते हुए देखा, लोगों को बपतिस्मा लेते हुए, जब ट्रक भर भर के लोगों को बपतिस्मा देने जाते थे, वहीं पे बपतिस्मा लिया, वहीं से बाहर आए, एंड आई वाज सीइंग देम, जैसे वो गए थे वैसे ही वो वापस आए. आई सेड दैट नाउ नाउ एंड आई वांट टू से समथिंग. मैंने अभी तक जितनी मुरादी की खिदमत की, बहुत सारे लोगों को बचाया, उनमें से सबसे मेरा फाइनेस्ट और सबसे मेरा बेस्ट प्रोडक्ट हनान है. क्लैप करें इसके लिए. क्यों? ये गैर जुबानी नहीं बोलता और सुपर नेचुरल चीजों में ज्यादा मूव नहीं करता, बट गेस व्हाट, ये चीजें मायने भी नहीं रखती. और ना ये पाखरू की सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बल्कि मैं कहूंगा ये सबसे लीस्ट एग्जांपल है. जिसने तो बोला था बदरुए वो निकाल के आया था, उनको बोलते इस पर खुशी ना हो, वो वंडर्स कर रहे थे इस पर खुशी ना हो. यू नो खुश कब हो? जब इंसान की नेचर चेंज हो जाए. इसका मतलब आप हयात की किताब में आपका नाम लिख दिए गए. When your nature changes. So, Hanan is the one जिसके बारे में मैं कह सकता हूं I saw his nature change. Nature change होने का मतलब perfection नहीं, आप perfect हो गया गुनाह नहीं करोगे, you will fall. मतरस गिर सकता था, तो फिर रसूल नहीं है. But the thing is nature changes. And if the nature has changes, अगर आपकी नेचर चेंज हो गई है, ठीक है ना, तो इसका मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, यीशु वॉक इन आपके दिल में आ गया, एंड यू आर गोइंग टू बी इन हेवन. हालेलुया. 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 कम ऑन. द नेचर चेंजेस. और जिसकी नेचर चेंज हुई है, जिसकी नेचर चेंज हुई है, वो बता सकता है किसकी दूसरे की नेचर चेंज हुई है.
और सबका एक प्रोसेस होता है. समवन इज लाइक दैट और कुछ लोगों का प्रोसेस होता है. एंड आई एम सीइंग जितने मेरे इर्द गिर्द हैं, योर ये तो पहले से बचे हुए थे ना, उन्होंने तो बंगाली नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, जो पहले से तौबा की हुई उनकी तो बात ही नहीं हुई. बात वो हो रही है जो बाद में क्राइस्ट में है, ठीक है. सो कुछ फॉरन और कुछ का नेचर चेंज होने में टाइम लगता है, ठीक है. हम खुदावन की सल्वेशन को मॉनिटर नहीं कर सकते, वो कैसे देना चाहिए, एक जस्ट लाइक दैट और इन अ प्रोसेस. सो रिसीविंग ऑफ, और आगे मैंने लिखा है, अब मैंने क्या बोली थी कि रिसीविंग ऑफ पर्सन ऑफ होली स्पिरिट इज एक्ट ऑफ साइलेंस. ये एक्ट ऑफ साइलेंस है पर्सन को. अब सुने, रिसीविंग ऑफ बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट इज एक्ट ऑफ नॉइज. रिसीविंग ऑफ बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट इज एक्ट ऑफ नॉइज. क्यों? व्हाई इट इज नॉइज? एलबर्ट भाई क्यों शोर क्यों है? रुकुदस का बपतिस्मा शोर क्यों है और उसकी शख्सियत खामोश है? बिकॉज द पावर ऑफ होली स्पिरिट एक्सप्लोड्स इन अ मैन स्पिरिट एट द टाइम ऑफ बैप्टिज्म एंड द नॉइज इज हर्ड आउटसाइड ऑफ अ मैन्स हार्ट. That is man's spirit. That is from mouth in form of tongues, prophecy, intense weeping, laughter, screaming, or anyhow God or just rates, and not just in form of tongues. अपुर्दुन बोलना चाहता हूँ. Okay. So रूह कुदस का बपतिस्मा जो है वो शोर क्यों है? शोर इसलिए क्योंकि रूह कुदस का जो बपतिस्मा है वो आप पाखरु आपके दिल में आ गया, और जब वो आपके दिल में आ गया तो दिल में आके एक्सप्लोजन करता है, धमाका. और जब वो धमाका करता है तो उसकी जो धमाके की धमक है, अगर यहां पे धमाका फटे या कोई ऊपर से जोर से, अब यहां पे एल्बर्ट भाई आके परात ऊपर से जोर से नीचे फेंकते, पूछे क्यों फेंकी है जी, दिल कर रहा था. ओह माय गॉड. सो फेंक दे अगर एल्बर्ट भाई तो बताए बार आवाज जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना. इसी तरह अगर परात की आवाज बाहर जा सकती है तो रूह कुदस का एक्सप्लोजन जो कि रूह कुदस का बपतिस्मा जब दिल में होता है, दिल यानी इंसान की रूह में, तो उसके जिस्म से बाहर उसकी शुआएं और उसकी आवाज आती है जो कि जाहिर में आती है उसके उसके मुंह माउथ के जरिए, मुंह के जरिए, गैर जमानों के जरिए, नबूवत के जरिए, तेज ऊंचा ऊंचा गोने के जरिए, या बहुत तेज होली लाफ्टर के जरिए, हंसने के जरिए, या चीखने के जरिए. कुछ लोग चीखते हैं जब उनको रूह कुदस का बपतिस्मा होता है, ठीक है ना. या जिस तरह खुदा ऑर्केस्ट्रेट करे, ऑर्केस्ट्रेट मतलब जिस तरह वो साइन देना चाहे, ना कि सिर्फ गैर जुबानों के जरिए. मैं क्यों स्ट्रेस दे रहा हूं? क्योंकि ये मिथ मैंने क्लियर करना है कि अगर बंदा गैर जुबान बोलेगा तो उसको रूह कुदस का बपतिस्मा है. नो सर, अगर वो नबूवत भी कर रहा है, वो तेज तेज रो भी रहा है, अगर वो तेज तेज हंस भी रहा है, यू नेवर नो अनलेस आप रूह कुदस में जाके देखो कि उसको पाखरू का बपतिस्मा हो रहा है, और सबसे बढ़कर उसकी नेचर चेंज हो. सो इसलिए रूह कुदस का बपतिस्मा जो है वह एक्ट ऑफ नॉइज है, क्योंकि वह आपके दिल में, आपकी रूह में खुदा की कुदरत का धमाका है. आमीन, ठीक है. मगर उसका शख्सियत धमाका नहीं है, उसकी शख्सियत पोलाइट है, रूह कुदस की वहां के रहे. ओके, सो अब मैं आपको डेफिनेशन देना चाहता हूं बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट. एक्चुअली यू रेडी? डेफिनेशन ऑफ बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट क्या है? बहुत जबरदस्त है. सो इस जब तक मैं डेफिनेशन दे रहा हूं, मेरा प्लीज एक कप के अंदर पानी ला दे. बंद कर दें हाँ पीने वाला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट की, डेफिनेशन है दाऊद, इट इज द ओवरफ्लो ऑफ द पावर within, out of you of Holy Spirit and not the coming in of the person of Holy Spirit. किसको समझो? It is the overflow of power within, out of you. थोड़ा टेक्निकल है, आनंद समझ आ रही है? Within, yep. रूह कुदस के बपतिस्मे से पहले पाखरू आपके अंदर आता है, और जब अंदर आ जाता है तो बाहर नहीं जाता, ये नहीं कह रहा मैं, ठीक है. जब वो अंदर आता है तो उसके बाद जब पाखरू का बपतिस्मा होता है तो उसका धमाका और उसकी पावर इतनी ज्यादा आप में भर जाती है कि वो आप में से ओवरफ्लो के बाहर आती है. और जैसे ही वो ओवरफ्लो के बाहर आती है, मैं तो बोध करता हूं कि खुदावन ये कह रहा है. सो मैं ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूं, ठीक है. मैं ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूं, जस्ट अभी रखते हैं एक मिनट, मैं जल्दी से आपको सारी डेफिनेशन दे दूं, फिर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा.
एंड यू विल लव दिस। ओके सो दूसरा है, दूसरा मीनिंग है सिट डाउन मिरर। ओके सो अब दूसरा मीनिंग है सर्जिंग ऑफ गॉड्स पावर थ्रू योर स्पिरिट मैन। अनान सर्जिंग ऑफ गॉड्स पावर, सर्ज होती है, गुजरती है आपसे। तीसरा मीनिंग है सोकिंग ऑफ स्पिरिट मैन इन गॉड्स पावर दैट इज होली स्पिरिट। सोकिंग किसे कहते हैं? निचोड़ने को, पीने को, अभी करके दिखाएंगे, ठीक है। सो और आखिर में बहुत आसान जो कि कोई भी समझ लेगा, टू बी डिप्ड और बेथ इन गॉड्स पावर, डुबो देना या खुदा की कुदरत से नहाना। अल्बर्ट भाई ऐसे ही लिखे, डुबो देना या खुदा की कुदरत। कुदरत का मतलब जो इंग्लिश में वो पावर है, उर्दू में पावर को कुवत नहीं कुदरत बोलते, बाइबल में करो। सो खुदा की कुदरत यानी पावर से नहाना। आई एम टेलिंग यू इट्स सुपर पावरफुल। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको रियल बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट हुआ है ना, आप भूल जाओगे गैर जुबान। इट्स नॉट जस्ट स्पीकिंग इन टंग्स। लोगों को ऐसे भी एक्सपीरियंस है जो तीन दिन तक रूह कुदस उनकी बॉडी से सर्च करता रहा, और तब जाके आपको पता चलता है कि बपतिस्मा कितनी पावरफुल चीज है। सो ये कुछ मीनिंग्स है, और अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूं। तो मुझे प्लेट दे, ओके। मुझे दो टिश्यू पेपर दीजिए, वेरी फास्ट, थैंक यू। ओके अब आपने गौर से देखना है, इसको मैं हटा देता हूं ताकि जो ऑल राइट। सो अब ये जो है प्लेट जो आवाज सही से ही आ रही है ना, बिकॉज वी आर सिटिंग इन अ वेरी बिग रूम। ओके जस्ट जोकिंग। सो ये जो है प्लेट, ये एक दुनिया है। क्या है? दुनिया है, ठीक है। और दुनिया में ये अल्बर्ट भाई भेजे गए, ये आ गए अल्बर्ट भाई, ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू, ठीक है। ये दुनिया है, ठीक है, और दुनिया के अंदर एक इंसान भेजा गया है, और ये इंसान की बॉडी है। क्या है? बॉडी। अब इंसान की बॉडी में मैं स्पिरिट डालना चाहता हूँ। सो अब मैं इंसान की बॉडी के अंदर एक स्पिरिट को डालता हूँ। यस, कैन यू सी द स्पिरिट? यस। अब ये इंसान की बॉडी के अंदर स्पिरिट है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये अल्बर्ट भाई हैं, और ये अल्बर्ट भाई की क्या है? Spirit. और ये क्या है? दुनिया, ठीक है। अब एक्चुअली में जो रियल अल्बर्ट है ना, वो ये कप नहीं, ये बॉडी नहीं है, वो ये है। और जब खुदावन हमारी डेथ होती है तो ये जो बेकार चीज है उसको छोड़ देता है, और खुदा का हाथ आता है स्पिरिट लेके आसमान पे चला जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज द स्पिरिट। और अब अल्बर्ट भाई ने क्या की? तौबा। और जब तौबा की और अपना पूरा दिल खुदावन यीशु मसीह को दिया, तो क्या हुआ फिर? तो क्या हुआ? कहाँ पे आया? दिल में यानी आपके अंदर आया। सो जब होली स्पिरिट दिल के अंदर आया ना, सो व्हाट हैपेंड इज दैट, इधर देखिए अल्बर्ट भाई, आप हैं ये और आपको नहीं देख रहे, दिल में आया रूह कुदस। और जब दिल में आता ना रूह कुदस, तो जो होता है ना, जो चीज होती है वो होती है, जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज समझते हैं वो कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन होता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री। और हम अगर बात करें बायोलॉजी की लैंग्वेज में, तो डीएनए बनता है, डीएनए आर स्ट्रैंड्स, ठीक है। और अगर मैं सादा लैंग्वेज में बात करूं तो सब समझे, तो खुदावन की रूह और आपकी रूह एक हो जाती है, दो रूहें नहीं होती। खुदावन की रूह, और वो किस तरह होती है? ये है अल्बर्ट, है ये खुदावन की रूह है, एंड इट हैज बिकम ए वन स्पिरिट। और अब ये वन स्पिरिट हो गई है, एंड इट इज इन अ बॉडी। ये दुनिया, ये बॉडी, और ये एक स्पिरिट है। अब दो स्पिरिट नहीं है, आपको कितने डिशूज नजर आ रहे हैं? वन, ठीक है। सो नाउ दिस इज ए वन स्पिरिट। अब ये भी स्पिरिट अंदर आ गए, सो अब अल्बर्ट भाई गैर जुबानी नहीं बोल रहे, ना मौजाद कर रहे हैं, ठीक है ना। मगर अल्बर्ट भाई ने तौबा की है, पूरे दिल से यीशु को अपने दिल में मांगा है, तो कौन दिल में आ गया है? होली स्पिरिट आ गया। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा?
नजर आ रहा है, ठीक है। अब एल्बर्ट भाई की रूह और खुदावन की रूह क्या हो गई है? एक हो गई, मर्ज हो गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो अब एल्बर्ट भाई दुआ करना शुरू हो गए हैं। अब पाखरू अंदर है कि नहीं है। अब एल्बर्ट भाई दुआ करें, यीशु मुझे तू पाखरू का क्या दे? जब खुदावन से वो दुआ करना शुरू करेंगे, खुदावन मुझे तू पाखरू का बपतिस्मा दे, अभी किसी को नजर नहीं आ रहा पाखरू, यानी इसका साइन नजर नहीं आ रहा, मगर जब खुदावन पाखरू का बपतिस्मा देगा एल्बर्ट भाई को, ऑल राइट, सो ही स्टार्ट्स फिलिंग अप एंड फिलिंग अप एंड गिव मी मोर वाटर, जल्दी से लेके आए। व्हेन ही इज फिलिंग अप, अब आप देख लो, ही इज फिलिंग, ही इज फिलिंग, गॉड इज फिलिंग, पूरा नहीं भरा, ठीक है, अभी तो पूरा नहीं भरा, एंड द पानी अंदर आ गया, दैट इज द पावर। अब ये क्या, अब ये जो टिश्यू था ये क्या चीज थी? स्पिरिट, ठीक है, किसकी स्पिरिट थी? एल्बर्ट भाई और खुदावन की एक हुई मर्जी, ठीक है। अब इन दोनों स्पिरिट के अंदर, ठीक है, क्योंकि मॉडल जब पाखरू का बपतिस्मा होता है, ये दोनों स्पिरिट के ऊपर खुदावन की पावर, मैंने कहा था जो बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, दैट इज द ओवरफ्लो ऑफ पावर, ठीक है। जब पाखरू अंदर आता है आपको आवाज नहीं आती, बट जब बैप्टिज्म होता है आवाज आती, पता क्यों होती? क्योंकि वो ओवरफ्लो करके बाहर आता है, जस्ट सी दैट द वाटर इज कमिंग आउट। और जब ये पानी बाहर आया ग्लास से, दिस इज द स्पिरिट, और ये क्या है? जब आप गैर जबाने बोलते हो, मुआज़ात करते हो और यीशु ऐसी जिंदगी जीना शुरू करते हैं, विद इन आउट कम्स द लिविंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, जस्ट लाइक दैट दुनिया वालों को पता चल जाता है इसमें यीशु जी उठा। हालेलुया, यीशु के लिए जोरदार ताली। ये तो ग्लास की डेमोन्स्ट्रेशन है, अब ये जो एक जिंदगी है ये भीगी हुई है रूल कुदस से। सो रूल कुदस अंदर था, जो चीज नहीं थी वो क्या चीज थी? पावर। तो होली स्पिरिट था, उसकी पावर की रिक्वायरमेंट थी, जब पावर आई तो पावर ने ओवरफ्लो किया, ठीक है। अब हम इसके और गहराई में नहीं जाएंगे कि और भी भरा जा सकता है, दिस एंड दैट, क्योंकि टाइम इज शॉर्ट। प्लीज ये उठाओ, सो सबको समझ आ गई? सो अगर अब आपसे कोई पूछे तो बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट क्या है? इट इज द ओवरफ्लो ऑफ पावर, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर? अंदर से बाहर। ऑल राइट जीसस, सो माइक इज ऑन। ओके, सो रिसीविंग इज द एक्ट ऑफ साइलेंस, व्हाइल बैप्टिज्म इन स्पिरिट इज द एक्ट ऑफ एक्सप्लोजन। रिसीव करना खामोशी का है और बपतिस्मा जो है वो जीसस। ओके, होली गोस्ट केस नंबर टू, अब हम स्पीड में चलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अब हम स्पीड में चलेंगे। होली गोस्ट केस नंबर टू, केस नंबर टू क्या है? और वो ये है, कैन अ पर्सन बी बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट विदाउट स्पीकिंग इन टंग्स, और इज इट स्पीकिंग इन टंग्स द ओनली साइन ऑफ द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट? क्या एक शख्स रूह कुदस के बपतिस्मा पा सकता है और गैर जुबान में दुआ करें, या गैर जुबान ही सिर्फ रूह कुदस के बपतिस्मा पाने का निशान है? तो आप मुझे बताएं, अब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्या सिर्फ गैर जुबान ही रूह कुदस के बपतिस्मे का निशान है? चेंज ऑफ करेक्टर, साइन, साइन, एग्जैक्टली। सो आंसर है, इट कैन बी एनीथिंग गॉड वॉन्ट्स, इट कैन बी एनीथिंग गॉड वॉन्ट्स, खुदा कुछ भी चाहे। इट इज नॉट ऑलवेज टंग्स और स्पेसिफिकली टंग्स, सिर्फ जुबाने नहीं है, खुदा जैसे चाहे हो सकता है। एंड देर इज नो सच थिंग एज बैप्टिज्म कॉल्ड गैर जुबानों का बपतिस्मा। मैंने औरतों को कहते सुना, नहीं पहने उन्होंने गैर जुबान का बपतिस्मा हो गया, हाँ गैर जुबान का बपतिस्मा नहीं हो, तुम्हें तो ताकत ही नहीं मिली। गैर जुबानों का बपतिस्मा, लोग ये भी टर्म यूज करते, गैर जुबानों का कोई बपतिस्मा भी नहीं होगा, सही ना? यू कैन हैव द होली स्पिरिट एंड इवन इट्स बैप्टिज्म विदाउट स्पीकिंग इन टंग्स। आप रूह कुदस भी हासिल कर सकते हो, तौबा के वक्त बता दिया,
और उसका बपतिस्मा भी हासिल कर सकते हो गैर जुबान बोले बगैर, ठीक है ना। और इसी एग्जांपल है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी एग्जांपल, उससे बड़ी कोई एग्जांपल हो नहीं सकती, वो यीशु मसीह खुद है। यीशु ने कभी गैर जुबान नहीं बोली जब रूह कुदस नाज़िल हुआ। ओके, और एंड में बताऊंगा यीशु का साइन गैर जुबानी कुछ और था, दैट इज वेरी बिग ऑन दिस साइन ऑफ। दूसरी एग्जाम्पल है साधु सुंदर सर्वराज की। साधु सुंदर सर्वराज, जब मैंने उसकी टेस्टिमनी सुनी थी कि तकरीबन एक साल और कुछ ऊपर महीने उसने पापरों के बपतिस्मे के लिए दुआ की, तो जब उसको पापरों का बपतिस्मा हुआ तो उसने बोला था कि मैंने गैर जुबानी नहीं बोली थी, तीन दिन तक लगातार मेरी बॉडी में से ऐसे किसी ने आसमान से प्लग जोड़ दिया, तीन दिन तक करंट गुजरता रहा था, तीन दिन तक। दिस इज द ट्रू बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, ठीक है। और अगर अब हम बात करें अमाल की किताब 4:31 के अंदर, तो उसके अंदर लिखा है कि वो सब पाखरू से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाने शुरू हो गए। यहां पे जुबाने नहीं बोल रहे, वो दलेरी से कलाम सुना रहे, ये इनका साइन था, ठीक है। फिर अमाल 19:6 में लिखा हुआ है, और पालूस रसूल ने उनके ऊपर हाथ रखे और रूह कुदस उनके ऊपर आए और वो गैर जुबाने और नबूवत करना शुरू हो गए। यानी कुछ लोग नबूवत करते कुछ जुबाने बोल रहे थे, सिर्फ जुबाने नहीं थे, नबूवत वाले भी थे, ठीक है। तो हम ये नहीं सिर्फ स्टैंप कर सकते, सिर्फ जुबाने बोलने वाले के पास रूप नहीं सकते। केस नंबर 3, रेडी। सो होली गोस्ट, केस नंबर 3 है, व्हाट इज द फर्स्ट वर्क ऑफ पावर ऑफ होली स्पिरिट इन यू, इज इट टंग्स। सो रूल कुदस का पहला काम क्या है जब आपको उसका बपतिस्मा हो जाता है, क्या वो गैर जुबाने है? चल नहीं, क्या गैर जुबाने है रूल कुदस का बपतिस्मा हो जाए, सबसे पहला निशान या पहला काम हम देखते हैं। बिकॉज आज हमारे जो प्रीचर्स हैं वो कहते हैं कि रसूलों की तालीमात पर अमल करें, रसूलों की बातों पर अमल करें, रसूलों के पीछे चलें। बिल्कुल सही है, रसूलों की तालीमात पर अमल करना है, मगर रसूल किसकी तालीम पर चल रहे थे? तो पहले यीशु को तो पढ़ लो, जो कि अनाजीब में मिलेगा। तो अमाल की किताब बहुत फेमस आयत है, पहले बाप की 8 आयत में लिखा है, बट यू विल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट कम अपॉन यू, और तुम्हें कुत मिलेगी जब रूह कुदस तुम पर आएगा और तुम मेरे क्या ठहरोगे, क्या ठहरोगे, मेरे गवाह ठहरोगे। तो ये यीशु ने बात कब बोली थी, जब वो आसमान पर उठाया जा रहा था, वो बोल के गया था। यीशु गिरदो ने नहीं बात बोली थी कि जब रूह कुदस नाजिल हो रहा था तो हमने ये देखा कि वो गैर जुबाने बोल रहे थे। रूह कुदस शगिर्दों ने देखा कि वो गैर जुबाने बोल रहे थे, यीशु ने देखा नहीं। यीशु ने बताया कि जब मैं रूह भेजूंगा तुम देखोगे, तुम सबसे पहले मेरी गवाही दोगे। तो मालिक की पहले सुनो, नौकरों को बाद में पढ़ो। मालिक ने कहा था जब रूह कुदस आएगा तुम सबसे पहला काम करोगे, विटनेस, गवाही ठहरोगे। और गवाह ठहरना कोई छोटा काम नहीं है, जब कोई सर पे आपको बंदूक रखकर बोले यीशु को, बोल यीशु कौन है, तो आप बोलो कि वो खुदावंद और खुदा का बेटा है, दिस इज गवाही। ओके, सो होली गोस्ट, केस नंबर 4 क्या है, कैन यू हैव बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट एंड नॉट स्पीक इन और हैव द गिफ्ट्स ऑफ टंग्स और एनी अदर। क्या आपको रूह कुदस का बपतिस्मा हो जाए और आपके पास गैर जुबान ना हो या कोई और रूह कुदस का गिफ्ट ना हो, क्या ये मुमकिन है? Yes, that is true. So you have received power whose function is to enable you to witness for Christ and to live for Christ, but not any gift. तो जो रूह कुदस का बपतिस्मा है वो empowerment है, वो आपको कुदरत और ताकत दी गई है कि आप यीशु की गवाही दे सको और यीशु के लिए जिंदगी जी सको, ना कि वो कोई रूह कुदस की नेमत है। नेमतें बाद में आती है, अलग आती है, खुदा की मर्जी है कि वो पाखरों के बपतिस्मे के साथ आपको नेमत दे दे या बाद में दे। और इसकी एग्जांपल है डीजेएस देना कर, और ये लिखते वक्त मैं एशले को याद कर रहा था क्योंकि इस खादिम के लिंक्स मुझे एशले ने भेजे थे कि शाहरुख भैया सुना, मैंने सुना था दिनाकरण का एक्सपीरियंस था। 7 साल के बाद दुआ करने के बाद जिसमें फेस टू फेस सामने आता है और दिनाकरण को रूह कुदस से भरता है और रूह कुदस के भरने के बाद खुदावंद चले जाते हैं और कुछ महीनों तक दिनाकरण मौजूद नहीं कर पाता और फिर वो अपने अंकल से पूछता मैं क्या करूं, अंकल बोलता है जाके रूह कुदस की 9 नियमते मांग। उसको बपतिस्मा भी हुआ था रूह कुदस का और उसने यीशु को फेस टू फेस भी देखा था, फिर भी 9 गिफ्ट नहीं थे। अंडरस्टैंड कर चीज, ठीक है। तो गिफ्ट अलग है, बैप्टिज्म अलग है, रूह कुदस की पर्सनैलिटी सारी अलग है, ठीक है। सो साधु सुंदर सर्वराज की भी सेम स्टोरी है, उसको पापरू का 3 दिन तक बपतिस्मा होता रहा, करंट गुजरते गए और उसके कहीं देर के बाद उसने बोला क्यों काम नहीं हो रहा, फिर उसने 9 नियमते मांगना शुरू की, वो भी किसी दूसरे खादिम को देखकर। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, होली गोस्ट केस नंबर 5,
When the Bible says to be baptized with Holy Spirit, what does it mean? Fire or power? जब जब कलाम में लिखा है कि तुम्हें पाखरू से बपतिस्मा दिया जाएगा तो इसका क्या मतलब है? तुम्हें पावर से बपतिस्मा दिया जाएगा या फायर से बपतिस्मा दिया जाएगा? पावर। जब भी आएंगे तुम्हें रूह कदस से बपतिस्मा होगा तो इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या है? पावर से बपतिस्मा। तो इसका मतलब पावर से। मैं बाइक पे जा रहा था और मैं दुआ कर रहा था, मैं कहता खुदावर मुझे उस खादम जैसी रूह दे और उस खादम जैसी पावर दे। और मैं दो तीन दिन यही दुआ कर रहा था। एंड सिस्टर यकीन जाने, जब मैं कह रहा था खुदावन मुझे उस खादम जैसी रूह दे और उस खादम जैसी पावर दे, मुझे लिटरली मेरे अंदर आवाज आई और मुझे बोला शारून पावर कम्स विद द स्पिरिट। आई सेड ओह माय गॉड शारून पावर कम्स विद द और अनदर वर्ड्स पावर इज द स्पिरिट और स्पिरिट इज द पावर। सो जब कहते हैं कि पाखरू का बपतिस्मा तो यानी पावर का बपतिस्मा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। होली गोस्ट केस नंबर 6। अब ये एसपी के स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, और वो क्या है? इज इट पॉसिबल टू स्पीक इन टंग्स एंड नॉट टू बी बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट? अब ये कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल बात है। क्या ये मुमकिन है कि आप गैर जुबाने भी बोलो और आपको पाखरू का बपतिस्मा ना हुआ? अब जो हमने इस फाउंडेशन बिठाई है तो मेरे नजदीक ये बात पॉसिबल है कि एक बंदा गैर जुबान बोल रहा हो और पाखरू का बपतिस्मा ना हो, या ये एक बंदा गैर जुबान बोल रहा हो उसको गिफ्ट दे दिया गया है मगर शख्सियत खुद नहीं आई। कुछ लोगों का ये बहुत स्ट्रांग फेथ है और मैं उनसे एग्री नहीं करता। वो कहते हैं कि अगर शख्सियत आएगी तो नेमत आएगी, ये बात बिल्कुल सच नहीं। अगर ऐसा होता तो साउल भी नबूवत करता रहता और पाखरू उसके अंदर रहता, मगर पाखरू ने छोड़ दिया था वो तब भी नबूवत कर रहा था। तो ये आई एम ग्लैड कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट पता है। सो लास्ट होली गोस्ट केस नंबर 7 और इसके ऊपर हम एंड करेंगे जो सबसे पावरफुल है और वो है द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट द मास्टर। यू रेडी? नाउ सब जो अपने सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि हम आसमान पे जाने वाले हैं। सो अब मैं चाहूंगा कि हम एक वर्स भी पढ़ेंगे साथ में और मैं चाहूंगा कि ये तलावत जो है वो मैं खुद करूंगा। रस में सारी दौड़ देनी है मैंने, लाना पड़े तुम गाना पड़े आप रीड माय स्टफ। ओ फिनिश एक्चुअली इज इट कूल? आर वी कूल पीपल? जीसस पीपल आर कूल एंड वार्म एट द सेम टाइम। जलते हुए लोगों के लिए वो ठंडक हैं और जो ठंड के लिए हो फायर। ओके, जिसकी भी बाइबल है खुदा हम उसको बात करते हैं। और राइट, ओके, सो अब इसके अंदर जाने से पहले आखिरी केस को स्टडी करने से पहले केस 7 को बिफोर गेटिंग इनटू इट आई मस्ट से लाइफ ऑफ जीसस इन गॉस्पल इज आवर फाउंडेशन। क्या? लाइफ ऑफ जीसस इन गॉस्पल इज आवर, यीशु की जिंदगी जो अनंजील के अंदर है हमारी क्या है? फाउंडेशन, बुनियाद है। ठीक है, यीशु की जिंदगी जो अनंजील के अंदर है वो हमारी बुनियाद है और रसूलों की तालीमात जो खतूत अपिसल से मिलती है हमारी बिल्डिंग है। क्या है हमारी? क्या है? बिल्डिंग है। और वो बिल्डिंग कहां पे रखी गई है? बुनियाद पे। और बुनियाद क्या है? यीशु और उसकी अंजील। ठीक है, ये वाइस वर्सा नहीं है कि पालूस रसूल की तालीमात हमारी बुनियाद है। नेवर मिस्टेक दैट। पालूस रसूल और शागिर्दों की तालीमात जो खतूत में मिलती हैं वो हमारी बुनियाद नहीं है, वो हमारी बिल्डिंग है। हमारे और वो बिल्डिंग हमारी बुनियाद, हमारा पत्थर, जिंदा पत्थर यीशु नासरी है, उसके ऊपर रखी गई है। यानी गॉस्पल जो है हमारी बुनियाद है और उसके ऊपर क्या रखी गई है? बिल्डिंग। और वो बिल्डिंग है पौलुस रसूल और दीगर शागिर्दों की तालीमात। क्यों? क्योंकि नौकर अपने मालिक से अफजल नहीं है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं ये आप पूरा गौर से सुनिएगा ये जो पैराग्राफ है। ऑलराइट, सो लिखा है मत्ती के झील 3 बाब और उसकी 11 आयत में, मैं तुमको तोबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है
मैं उसकी जूतियों उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। किससे? जब जोहन्ना कह रहा है वो तुमको रूह कुदस से बपतिस्मा देगा, इसका क्या मतलब है? पावर बैप्टिज्म। और फिर तुमको किससे बपतिस्मा देगा? फायर बैप्टिज्म। यू आर स्कॉलर्स एंड वेरी जीनियस पीपल। हालेलुया। ओके, उसके बाद लिखा है उसका झाग उसके हाथ में है और वो अपने खुलियान को खूब साफ करेगा और अपने गहियों को तो खित्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को वो आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। मैं आपसे सच कहता हूं, इसके अंदर रूह कुदस की आग के बपतिस्मे का रेवलेशन है। लेकिन इट हैज द मिस्ट्री ऑफ बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। किस तरह? और इंग्लिश में लिखा है कि his winding fork is in his hand। अब आपको समझना है ये winding fork क्या है? चार्ज। यस, बताना चाहेंगे चार्ज मालूम है? एग्जैक्टली, फिल्टर करने का। वो छाज से बना होता है, एक कलेक्टर होता है ये कलेक्टर। अगर आप अगर इसको देखे ना, जैसे बेलना वो होता है ना, बेलचा, बेलचा जिस तरह उठाने के लिए यूज होता है, इस तरह इसको इंग्लिश में जो ना बेलचे, उसके लिए सेम इंग्लिश है। छानना होता है, छानना अलग है। जार्ज एक जगह जमा करने वाला, एक जमा करने वाला, आप समझे एक किस्म का टब है, ठीक है, एक किस्म का टब है, ठीक है ना। और अक्सर आपने देखा ना गंदम जैसे वो छानती नहीं औरतें, जो छाज होता है ना उसमें उधर वैसे से उसको छानती हैं, तो जो गंदम वो तो पीछे रह जाती है, तो उसका आगे तो उसने बोला ना कि वो छाज उसके हाथ में है, उसको छांटेगा तो भूसा जो अलग हो जाएगा और जो गंदम है वो। अच्छा, अब इधर छाज है, ठीक है, छाज जो है हमारे पास कलेक्टिंग एरिया, ठीक है ना। और जो छाज यहाँ पे बताया गया वो चर्च है। व्हाट इज दैट? चर्च, ठीक है। इसको इंग्लिश में वाइनिंग फोर्क और शॉवल भी बोला गया। ही विल क्लीन अप हिज थ्रेशिंग फ्लोर एंड गैदर हिज ग्रेन, ठीक है ना, गंदम, ठीक है ना, इन टू हिज बार्न। अब ये बार्न क्या है और उर्दू में क्या है इसका? के और खुलियान को खूब साफ करेगा और अपने घरों को खित्ते में जमा। अब ये खित्ते में क्या है और इंग्लिश में बार्न यूज हुआ है। अगर आप इसको सर्च करें, स्टडी करें, तो ये स्टोर हाउस है, ये बड़े बड़े स्टोर हाउस। यानी जब छाज में वो जो एक टब नुमा फिल्टर होता है, और जिस तरह आप वो आटे को नहीं उसमें करते हैं छन्नी के अंदर, इस तरह आप जब करते हैं तो जो प्योर हो जाता है वो आप जमा कर देते हैं अपने बार्न के अंदर। इसको उर्दू में आप समझने के लिए स्टोर हाउस कह सकते हैं, ठीक है। सो जो ये छन्नी है, ये जो हमारे पास शोवल है, ये माइनिंग फॉर्क या चार्ज है, ये चर्च है। क्या चीज है? चर्च है, ठीक है। और जो ये बार्न है, ये हेवन है। क्या है? क्या है? ठीक है। और इसके बाद अगर आप पढ़ें तो मुझे पूरे पढ़ने पड़े, इसके बाद लिखा है उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आया, मगर यूहन्ना ने यह कहकर उसे मना कर दिया कि मैं आपको बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं, हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा तू होने ही दे, क्योंकि हमें राजबाजी को इसी तरह पूरा करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर फूल पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मदद उड़ते उतरते हुए ऊपर से देखा और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और चौथे वाक्य से पहली आयत पढ़ूंगा, तब उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि वह अबलीस से आजमाया जाए, 40 दिन और 40 रात आजमाया जाए। ओके, नाउ देयर इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सबसे पहले कहा गया है कि अब हम इस पूरे पैसेज में हम ए बी सी डी ई पांच चीजें सीखेंगे, जल्दी जल्दी, ऑलराइट, ठीक है। हम इसमें पांच चीजें सीखेंगे इस पूरे पैसेज में। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ बैप्टिज्म। टाइप्स ऑफ बैप्टिज्म कितने हैं? दो।
पावर बैप्टिज्म एंड फायर बैप्टिज्म। दूसरी चीज सीखेंगे व्हाट इज पावर बैप्टिज्म, जो मैंने आपको बता दी है तो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, मगर सीखेंगे व्हाट इज फायर बैप्टिज्म। तीसरी चीज सीखेंगे कि व्हाट इज फायर बैप्टिज्म एंड व्हाई वाज़न्ट जीसस बैप्टाइज्ड बाय फायर, यीशु आग में क्यों नहीं बैप्टाइज किया गया। फिर हम देखेंगे पर्पस ऑफ पावर बैप्टिज्म एंड फायर बैप्टिज्म, और आखिर में हम सबसे जबरदस्त चीज देखेंगे वो ये है व्हाट वाज द एविडेंस ऑफ क्राइस्ट बैप्टिज्म, यीशु का एविडेंस क्या था बपतिस्मे का। ऑलराइट लेट्स स्टार्ट। तो फायर बैप्टिज्म की डेफिनेशन है हमारे पास, जल्दी से डेफिनेशन एंड पर्पस। तो फायर बैप्टिज्म की जो डेफिनेशन वो है, इट इज सिंपली बेथिंग विद फायर और सोकिंग विद फायर फॉर प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ द बीइंग। फायर बैप्टिज्म सिंपली ये है कि आग से खुदा की नहाना, क्लेंजिंग, नहाना। पापरू की आग का बपतिस्मा सिंपल मीनिंग में क्या है, खुदा की आग से या खुदा की आग में डूब जाना। ठीक है, सो ये क्यों है, तो 12वीं वर्स जो है हमें जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग देती है पाखरू के आग के बपतिस्मे की, और वो है कि वो उसका छाज उसके हाथ में है और वो फिल्टर करेगा। सो क्यों फिल्टर करेगा, अब नाउ वी आर ऑल कलेक्टेड इन शोवल बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट। हम रूल कुदस के बपतिस्मे की वजह से, यानी पावर के बपतिस्मे की वजह से सब के सब शोवल, यानी छाज में, एम ए प्रोनाउंसिंग राइट, छाज है, छाज में कलेक्ट किए जाते हो। छाज मैंने बताया क्या चीज है, लस्सी, दूर दूर से भी नहीं है अभी, हाँ जी ठीक है। चार्ज क्या है, चर्च। तो हम रूल कुदस का जब तौबा करता है बंदा और बपतिस्मा लेता है तो वो कहाँ पे जमा किया जाता है, कहाँ पे आता है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जो कि क्या है, चर्च है। ठीक है, जब चर्च में आ जाता है तो फिर लिखा है कि रिफाइनिंग होगी, क्या होगी, रिफाइनिंग। ठीक है, खलियान को वो अपने खित्ते में जमा करेगा और भूसी को वो आग में फेंक देगा। तो जब भूसी को वो आग में फेंक देगा ना, ये आग पाखरू की नहीं है, ये जहन्नुम है। ठीक है, तो ये जहन्नुम में आग कौन सी जा रही है, भूसी। ये भूसी कौन है, ये वो लोग हैं जिनको होली स्पिरिट की फायर ने प्यूरिफाई नहीं किया चर्च के अंदर। डू यू गेट मी अल्बर्ट। शोवल छाज जो है एक कलेक्टिंग एरिया जो कि चर्च है, और वो लोग वहां जमा हो रहे हैं जिन्होंने यीशु को कबूल किया और यीशु को पुकारा और पाखरू दिल में आ गया और रूल कुदस का बपतिस्मा हुआ। बपतिस्मा होने के बाद वो चर्च में जमा हो गए, मगर चर्च में जमा होने के बाद वो चर्च में पल्यूट हो गए, और जब वो पल्यूट हो गए तो जब चर्च की छांटी की गई, जब छांटी की गई तो क्योंकि वो फायर ऑफ होली स्पिरिट जो कि प्योरीफाई करते हैं उनको नहीं किया था, तो उनको जहन्नुम में फेंक देंगे कि वो फॉरएवर प्योरीफाई होते रहे। कितने लोगों को बात यह समझ आए। ऑलराइट लेट्स मूव ऑन। लिखा है टू बी सेव यू नीड द होली स्पिरिट पावर बैप्टिज्म, टू बी सेव यू नीड होली स्पिरिट पावर बैप्टिज्म, बट टू रिमेन सेव यू नीड होली स्पिरिट फायर बैप्टिज्म। क्यों, क्योंकि जब छांटी की जाएगी आप इम्प्योर निकलोगे, यू नो दैट, ओके, बिकॉज पीपल विदाउट फायर वर कास्ट आउट। लोग आग, जिनके पास आग नहीं थी रूल कुदस की, वो फेंक दी गए। बिकॉज होली स्पिरिट पावर सेव्स यू एंड गेट्स यू इनटू सल्वेशन। रूल कुदस की पावर, यानी रूल कुदस के पावर का बैप्टिज्म आपको बचाता है और आपको निजात के अंदर दाखिल करता है, बट इट डजंट प्यूरिफाई यू, दैट ओल्ड जंक इज स्टिल इन यू। आपको पाखरू की पावर का बपतिस्मा बचाता है और नजात के अंदर लेके आता है, मगर आपको क्लीन प्यूरिफाई नहीं करता, वो पुरानी सारी खबासतें और गंदगियां आपके अंदर रहती हैं। आपको अभी भी जो है क्रेविंग होती है सिगरेट के लिए, आपको अभी भी पुरानी हैबिट्स के लिए क्रेविंग होती है। वी आर ऑल इन इट। यहां तक कि मुझे रात के टाइम एक दफा कॉल आई थाईलैंड से, और मुझे कॉल करके बोला कि हमने आपके ऊपर खुदावन की पावर देखी है, एंड मेरे लिए बेटा दुआ कर, एक खातून थी, कि मुझे खुदा ने पाखरू का बपतिस्मा दिया, आग का नहीं दिया, और खुदा मुझे आग का बपतिस्मा दे। रात के 11 बजे मुझे थाईलैंड से कॉल आ रही है एक खातून की, एंड शी सेइंग आई सेड ओह माय गॉड वुमन डू यू इवन नो दैट, एंड शी सेड, फिर वो अपनी सुपर नेचुरल स्टोरीज बताना शुरू हो गई, एंड आई सेड ओह माय गॉड आई एम अमेज्ड। थाईलैंड से लोग मुझे कॉल करके कह रहे हैं फॉर द फायर बैप्टिज्म, सो पाखरू का
पावर का बपतिस्मा आपको सल्वेशन में लेके आता है, ठीक है, मगर बचाता है मगर बचा के नहीं रखता। प्रभु की आग का बपतिस्मा आपको प्योरीफाई करता है, क्योंकि वो पुरानी गंदगी आपसे निकालता है, जला देता है, ठीक है ना। इट्स द होली स्पिरिट फायर दैट प्योरीफाइज यू, नाउ योर सल्वेशन इज सिक्योर। रूम पर उसकी आग आपको क्लीन साफ करती है और उसके बाद आपकी जाके निजात जो है सिक्योर हो जाती है। टेलिंग यू, हम सबको इसके लिए वर्कआउट करना है। आगे लिखा है, इट कैन बी अंडरस्टूड टू वेज, दो वे में इस बात को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, ठीक है, जो छाछ की बात की जा रही है, सेपरेशन ऑफ शीप्स फ्रॉम द गोट्स, भेड़े बकरियों से अलग की जाएंगी। जिनको बपतिस्मा हुआ वो बकरियां थी, मगर जिन्होंने बोला खुदावन हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, खुदावन हम जो है अपनी गंदगी अपने अंदर नहीं रहने देंगे, खुदावन अपनी आग भेजो हमें साफ कर, हमें तेरी पाकीजगी की प्यास है। जब खुदा ने आग भेजी तो वो बकरियों के सींग टूट गए और वो भेड़े बन गई और वो आसमान पे जाएंगी, जो कि बार्न है, स्टोर हाउस, जो कि खिते की बात की है। ये लिखा है, दूसरी कंडीशन है बर्निंग ऑफ सिंस और सिनर्स। आपके पास दो कंडीशन है, या तो आप जहन्नम में गुनाहगार जलेंगे, या तो जमीन पर रहते हुए अपने गुनाह जला लो, या तो पापों की आग से गुनाह जला लो, या तो जहन्नम में जाके गुनाहगार बनकर खुद जल जाओ, योर चॉइस, ठीक है। सो मैंने अब इस तरह कंबाइन करके लिखा है, इफ सिनर्स आर विलिंग टू बी रिफाइंड दे विल सी गॉड फॉर फायर ऑफ बैपटिज्म, इफ नॉट दे विल बी रिफाइंड इन हेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास खत्म हो रहा है। You cannot escape God's fire, guys. आप खुदा की आग से भाग नहीं सकते। आप यहां से कलाम से उठ के चले जाएंगे, दोबारा शायद ना आना हो, आप भाग जाएंगे, आप कहीं और चले जाएंगे, आपके पास टाइम ना, आप भाग सकते हो, मगर मैं आपको बता रहा हूं आप खुदा की आग से नहीं भाग सकते, चाहे वो पाखरू की आग हो चाहे वो जहन्नम की आग हो। आप चूज करो आपको किस आग में जलना है, मुझे रूह-ए-कुदस की आग में जलना है, क्योंकि जो रूह कुदस की आग में जलते हैं वो जहन्नम की आग में जलते हैं। क्यों? क्योंकि जहन्नम की आग गुनाहगारों के लिए, जो रूह कुदस की आग में जल लेते हैं उनके गुनाह वैसे जल जाते हैं। ओके, सो आखिर में 16 वर्ड्स में पढ़ते हैं कि वहां पे लिखा है कि यीशु को पाखरू का बपतिस्मा हुआ, यानी पावर बैप्टिज्म हुआ, यीशु को पाखरू की आग का बपतिस्मा नहीं हुआ। आप जानते हैं क्यों? बोलो, यीशु को सिर्फ पाखरू की ताकत का बपतिस्मा हुआ, पावर का, उसको आग का बपतिस्मा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो इसराइल का कदूस था और खुदा का बेहद बड़ा था, उसमें कोई गुनाह नहीं था कि उसको आग का बपतिस्मा था, वो तो खुद खुदा की जिंदा थी, इसलिए उसको सिर्फ पावर का बैप्टिज्म हुआ। ऑलराइट, सो अब हम बात करेंगे आखिरी पर्पज ऑफ पावर बैप्टिज्म क्या है, जो कि हमें मत्ती 3:17 के अंदर मिलती है। मैं यीशु का बपतिस्मा हो रहा है, ठीक है ना, अब 3:17 आयत में पढ़े तो यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया जा रहा है, मगर बपतिस्मा होने के साथ फौरन बाद 4:1 आयत के अंदर यीशु बियाबान में चला गया। इसके अंदर, इसके कनेक्शन में हमें पर्पस मिलता है पाखरू के बपतिस्मे का, सुनते जाएं जल्दी से, ठीक है। सो पहला पर्पस है पाखरू के बपतिस्मे का, टू फाइट सैतान एंड स्टैंड इन टेम्पटेशन, बिकॉज दैट इज व्हाट गॉस्पेल एंड लाइफ ऑफ जीसस टीचेस। रसूलों की तालीमात हमें सिर्फ इतना तक बताती है कि जब पाखरू का बपतिस्मा हुआ तो उन्होंने दलेरी से कलाम सुनाया, उन्होंने यीशु की गवाही दी, उन्होंने गैर जुबानें दी, उन्होंने गैर जुबानें बोलना शुरू की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मगर ये सेकेंडरी बातें हैं, ये नौकरों की बातें हैं। मालिक की बात क्या है, मालिक की लाइफ स्टाइल क्या था, मालिक की जिंदगी से क्या सीखते हैं, ना कि चेलों और नौकरों की। मालिक की जिंदगी से ये सीखते हैं, जब उसको पाखरू का बपतिस्मा हुआ तो उसको वो पावर मिली, उसको ये कुदरत मिली कि वो अबलीस का फेस टू फेस मुकाबला करे और गुनाह में खड़ा रहे और गलबा पाके निकले। दिस वॉज द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द बैप्टिज्म ऑफ पावर ऑफ द होली स्पिरिट, नॉट टू स्पीक इन टर्म्स ऑफ जस्ट टू बी विटनेस। वो क्या था सनी? टू स्टैंड इन टेम्पटेशंस व्हेन यू आर टेम्प्टेड टू योर नर्व्स, जब आपकी रगें आपको टेम्प्ट करें, तब रूह कुदस की पावर का बपतिस्मा आपका फुल मैनिफेस्टेशन में आता, आप खड़े रहो। ये हम मास्टर की जिंदगी से सीखते हैं, ना कि उसकी सर्वेंट की जिंदगी से। इसलिए मैंने कहा गॉस्पल हमारी फाउंडेशन है, अपिस्टल्स नहीं, खतूत नहीं। आई होप देखने वाले इस बात को हजम कर लेंगे।
हालेलुया। ठीक है, तो पहली चीज हमें मिलती है फौरन से तीन बाप के बाद चार बाप में यीशु मसीह आजमाया जा रहा है और लिखा है कौन उसको बियाबान में ले गया, रूह कुदस ले गया, वो खुद भी नहीं गया। अब नहीं भी जाना चाहते रूह कुदस ले जाएगा आपको, अब आजमाए जाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड चीज है इट इज नॉट जस्ट फॉर मिरेकल्स और ऑपरेटिंग नाइन गिफ्ट्स। सो पाखरू का बपतिस्मा सिर्फ मौजे करने के लिए नहीं है और नौ नेमतों का फ्लो करने के लिए। तीसरी चीज क्या है, बिकॉज द लाइफ ऑफ मास्टर हु इज सुपीरियर नॉट जस्ट अपोसल टीचेस, फर्स्ट थिंग आफ्टर हिज पावर बैप्टिज्म वाज इन टर्म्स गिफ्ट्स और प्रीचिंग बट टेम्पटेशंस एंड वॉरफेयर। सो जो मास्टर की जिंदगी से हम सीखते हैं ना कि उसकी सर्वेंट की जिंदगी से, वो ये है कि पाखरू के बपतिस्मे के होने के बाद पहली चीज उसकी जुबानें नहीं थी, ना उसने मुनादियां शुरू कर दी, ना उसने चर्च खोल दिया, ना उसने जाके बताना शुरू कर दिया कि मैं खुदा का बेटा हूं। मास्टर की जिंदगी से हम सीखते हैं पाखरू के बपतिस्मे के बाद सबसे पहली चीज जो थी वो ये थी, उस पर आजमाइश आ गई और उसको जंग करनी पड़ी। सो द पर्पस ऑफ द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट इज टेम्पटेशन में, आजमाइशों में खड़ा रहना और जंग करना और जंग में फतायाब होना। तभी वैश्य कह रहा था जंग के रिलेटेड मेरे को बड़ी पावर मिल रही। सो इट इज टू फाइट टेम्पटेशन एंड डू वॉरफेयर। चौथी चीज, देयरफॉर अनदर पर्पस इज एम्पावरमेंट फॉर वॉरफेयर। यीशु का वॉरफेयर आ रहा था, उससे पहले खुदा ने उसको बपतिस्मा दे दिया। वाय, ताकि उसको कुवत मिले वॉरफेयर, जंग के अंदर। पांचवी चीज, If a believer is truly and deeply baptized in power, अगर एक ईमानदार truly सच्चाई से deeply गहराई से रूह कुदस की पावर में उसने बपतिस्मा लिया है तो, और ना सिर्फ उसके अंदर gifts impartation हुए मगर truly उसने बपतिस्मा लिया पाखरू का, तो another pattern of Christ वो follow ये होगा कि उसके पाखरू के बपतिस्मे के बाद वो बियाबान में जाएगा यीशु की तरह। यह हमेशा pattern follow होगा। यीशु के पाखरू के बपतिस्मे के बाद वो कहां गया, और बियाबान में क्या हो, आजमाया गया, आजमाया गया। किससे लड़ाई हुई, अबलीस से। अगर वाक्य में से एक नेमत नहीं मिली आपको रूह कुदस का सच्चा और गहरा बपतिस्मा हुआ है तो आप बपतिस्मे के बाद सबसे पहले बियाबान में जाओगे। बियाबान में जाने के बाद आप आजमाए जाओगे, आजमाए जाने के बाद अबलीस आपके चेहरे के सामने आके खड़ा हो जाएगा। ये पैटर्न है। अच्छा, ये सब कुछ क्यों होगा, ये इसलिए होगा ताकि एक ईमानदार की डिपेंडेंसी चेक की जा सके रूह कुदस की पावर के ऊपर। क्या ये बंदा अब अपनी साइंस और अपनी फिलॉसफी से लड़ेगा, या ये शख्स बोलेगा रूह कुदस अब मैं तुझ पर डिपेंड करूंगा, टू चेक द डिपेंडेंसी। ठीक है, और दूसरी बात, ठीक है, और वो ये है, देयरफॉर हिज डिपेंडेंसी इज टेस्टेड to stand in the test, then fight Satan and to live up to godliness. ताकि उसकी रूह कुदस के ऊपर मोहताजी चेक की जा सके, उसकी कुदरत के ऊपर, ताकि वो जंग करे, आजमाइश में खड़ा रहे, अबलीस से लड़कर फतेहयाब होए और पकीज़गी में जिए। Godliness, boy, हम सब ये नहीं करते। Let's be honest. The true master की लाइफ से हम सीख रहे हैं ना कि चेलों की या servants या शिकेदों की। ओके, सातवां जो पर्पस है पावर बैप्टिज्म का, सो पावर बैप्टिज्म हैज टू फैसेट्स, दो फैसेट्स हैं, एम्पावरमेंट इन द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट दैट इज टू डू वर्क लाइक क्राइस्ट। गिफ्ट्स के अंदर पावरफुल होना, यानी यीशु जैसे काम करना, मौजा मुर्दे जीना करना, जिंदा करना, एक्सेट्रा। या आठवां पॉइंट है कि, एंड सेकेंडली दूसरा फैसेट क्या है जो कि अनकॉमन है और सारे नहीं जानते, और वो है इट इज एम्पावरमेंट फॉर द फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट दैट इज द करेक्टर ऑफ क्राइस्ट। या दूसरी एम्पावरमेंट जो कि सब नहीं जानते वो है रूह कुदस के गिफ्ट्स में एम्पावरमेंट होना, यानी परहेजगारी, मोहब्बत, खुशी, जो कि यीशु मसीह के किरदार को पेश करती है। और ये चीज क्या करती है, आपको आजमाइश में शैतान के आगे खड़ा रखती है। तो अब मुझे बताएं कि क्या पापू का बपतिस्मा गहरा है या सिर्फ एक सिर्फ जुबान हुआ है। इट्स प्रैक्टिकल, इट्स नॉट जस्ट वर्बल। ठीक है, और नौवां चीज है कि वी फोकस ऑन गिफ्ट्स बट क्राइस्ट लाइफ टेल्स फोकस ऑफ पावर ऑफ बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट इज ऑन फ्रूट्स। पाखरू का बपतिस्मा जब हमें मिल जाता है तो हमारा फोकस होता है गिफ्ट्स। उसने जुबान बोली नहीं बोली, उसने नबूवत की नहीं की, मगर जब यीशु का बपतिस्मा मिल रहा है और हम मालिक की जिंदगी से सीखते हैं तो हमें फोकस नजर आता है फ्रूट्स के ऊपर, क्या आजमाइश में वो खड़ा रहा कि नहीं। माय गॉड,
क्या वो आजमाइश में खड़ा रहा क्या नहीं? ईस्टर इसका मतलब उसको रूल को सही मिला। पतरस ने एक दफा इनकार किया था, बार बार नहीं किया। जब उसको रूल को मिल गया था यानी बैप्टाइज हो गया था, अगली दफा सूर्य पे उल्टा चढ़ा था। दैट वाज द ट्रू होली स्पिरिट। और आखिर में है, और मैंने ये लिखा उसको आगे, बिकॉज होली स्पिरिट फ्रूट्स वर टेस्टेड इन द विल्डरनेस। बियाबान के अंदर यानी आपके मुश्किल लम्हात में जो बियाबान इसको पेश करता है वो ये है, रूल कुदस के फल आपके अंदर टेस्ट और चेक किए जाते हैं कि कितना रूल कुदस का बपतिस्मा मिला है आपके। और आखिरी पॉइंट है कि पावर बैप्टिज्म, यू रेडी गाइस, पावर बैप्टिज्म इज नॉट फॉर परफेक्शन। पावर बैप्टिज्म इज नॉट फॉर परफेक्शन, इट इज फॉर प्रोग्रेशन इन क्राइस्ट एंड टू बी लाइक क्राइस्ट। पावर का बैप्टिज्म जो है परफेक्ट होने के लिए, आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, आप प्रोग्रेस कर सकते हो परफेक्शन की तरफ। प्रोग्रेस का मतलब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना, किसकी तरफ? कामलियत की तरफ। और जिस कुदरत से हम बढ़ते हैं उसको पाकरू और उसका बपतिस्मा कहते हैं। और आखिर में जो मैं एंड करना चाहूंगा, मेरी पूरे के पूरे मैसेज की जान और मेरा फेवरेट पॉइंट, और वो है साइन एंड एविडेंस ऑफ क्राइस्ट बैप्टिज्म। और मैं चाहता हूं काश ये साइन हम सबको मिले। यू रेडी? सो द एविडेंस ऑफ द बैप्टिज्म ऑफ जीसस क्राइस्ट, सब मेरे साथ हैं? सो द एविडेंस ऑफ द बैप्टिज्म ऑफ जीसस क्राइस्ट वॉज नॉट द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। खुदावन यीशु मसीह के रूल कुदस का बपतिस्मे का एविडेंस और साइन गैर जुबाने नहीं था, बल्कि खुदा बाप की विजिटेशन था। हालेलुया, हालेलुया। सो द एविडेंस ऑफ द बैप्टिज्म ऑफ जीसस क्राइस्ट वाज नॉट द टंग्स और द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, बट द बैप्टिज्म ऑफ द जीसस क्राइस्ट एविडेंस वाज द विजिटेशन ऑफ फादर गॉड। और आपने पागलों को इतना लिमिट कर दिया हम लोगों ने, सिर्फ के जो बर 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 रा 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 बोल रहे हैं उसको रूल कुदस का बपतिस्मा आ रहा है। अगर आप मास्टर की जिंदगी से सीखे तो जब उसको रूल कुदस का बपतिस्मा हुआ था तो आसमान खुल गया था, खुदा बाप ने विजिट किया था और बाप आवाज आई थी, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। नाउ दिस इज थियोलॉजी, इट्स नॉट थियोलॉजी, इट्स रेवलेशन। वो आपकी आंखों के सामने खुदा का इंफॉर्मेशन हमारा रेवलेशन है, सिंपल। So break this fixed mindset that only gifts, especially tongues, can be sign. The visitation of Father can also be a sign of the baptism. Hallelujah! Jesus! I said this is punch hai mere pure message ka. So now Sunny is happy because it's deep. So the baptism of Father God, Khuda Baap aapse milne aaye aur aapko visit kar aur saath mein paapon ka baptisma hota hai, ye sign bhi ho sakta hai. So, खुदा को अपने डब्बे से बाहर निकाल दें। और लिखा है, इफ गॉड विजिट यू सो सैटन विल ऑलवेज विजिट यू इन द नेक्स्ट राउंड। क्योंकि यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और उसको खुदा बाप ने विजिट किया, नेक्स्ट किसने विजिट किया? सैटन ने। तो जब यीशु आपको बपतिस्मा हो पापरू का और खुदा बाप आपको विजिट करे, तो याद रखिए पैटर्न हमेशा फॉलो होगा, खुदा बाप नेक्स्ट राउंड में, सॉरी अब्लीस नेक्स्ट राउंड में आपको विजिट करेगा। क्यों विजिट करेगा? ताकि जब पापरू का बपतिस्मा हुआ था और खुदा ने आपको विजिट किया था, आपने उससे क्या सीखा और आपने उससे क्या फ्रूट डेवलप किया, ये क्या सीखा क्या फ्रूट डेवलप किया, आपको उस आजमाइश में जब सैटन विजिट करेगा या शैतान विजिट करेगा चेक किया जाएगा। या तो वो आपसे आपकी बरकत छीनेगा, और अगर छीनने में नाकामयाब हो तो वो दूसरा काम ये करता है कि उसको पोल्यूट कर देगा। या तो वो आपसे छीन लेगा या तो वो पोल्यूट कर देगा। मगर अगर बैप्टिज्म और विजिटेशन के वक्त आपका फल कच्चा नहीं पका और आपने सही से सीखा है, तो जब वो अबलीस आएगा तो आप उसके हर हीनों पर फतह पाएंगे और यीशु का नाम जला पाएगा। खुदा हम आप सबको बरकत दे। दिस इज द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। ग्लोरी।